मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मंच पर विराजमान गणमान्य लोग और हमारे साथी, आश्चर्य हो रहा होगा कि एक एलोपैथिक डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, आहार ही औषधि है उसकी बात करने जा रहा है। कुछ लोगों को ये भी आश्चर्य होगा, ये जो वेस्टर्न आउटफिट है, वेस्टर्न आउटफिट में भारतीयता की बात कैसे निकलेगी। तो मैं आपको शुरू से बता देना चाहता हूं कि कई बार इंग्लिश को इंग्लिश में डिफीट करना बहुत जरूरी है, तभी उनको बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए कोई अगर गेरुआ धारी चला जाए तो वो पहले ही मन में पूर्वानुमान से ग्रस्त हो जाते हैं कि इसको तो कुछ आता नहीं होगा। ज्यादातर तो मुझे आता, तो वो बात सुनते नहीं, इसलिए उनकी भाषा में, उनके वेशभूषा में जब तक उनको जवाब न दिया जाए तब तक वो बात समझते नहीं। उनको ये नहीं लगता है कि नहीं, वो अब वो सोचते हैं वो एक लोकल टाइप की बात है। तो इसलिए जरूरी है कि कई बार, जैसे मैं कॉन्फ्रेंसेस में भी जाता हूं, घुमावदार इंग्लिश बोलने वाले बातें ज्यादातर वही करते होते हैं जो हम भारत की गलियों में करते हैं। वो लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम लेके, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटीज का घुमावदार भाषा में नाम लेके बड़ी बड़ी बातें घुमा के बोलते हैं। हम भारत की गलियों में वो काम करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो कई बार आईना दिखाने के लिए उनके समग्र खड़े होके उनको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अगर इससे आपके सेंटिमेंट्स आहत होते हैं तो मैं आपको बता दूं, भीतर से मैं रुद्राक्षधारी हूं, लेकिन बाहर से ये इसलिए है क्योंकि उनको वो भाषा, यही भाषा समझ आती है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, आहार ही औषधि है, भाई राजीव दीक्षित के याद में। इनफैक्ट ये कोरोना काल में मैं एक बार फिर से सबको याद भी दिलाना चाहूंगा, कोरोना में हमने 15,000 पेशेंट्स बचाए। हमारे पास जो आ गया वो उसकी मौत नहीं हुई, उसमें हमने एक चीज रियलाइज किया, क्योंकि हम ये बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। चूंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, हम डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस के बाद पेशेंट को आगे भेज देते हैं। डायग्नोसिस का ये मतलब है कि बच्चा जब मां की पेट में आता है उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है। वो 100% टेस्ट नहीं, 100% टेस्ट हम करते हैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट। अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि फीटस वहां पे है कि नहीं, और प्रत्यक्ष को वैसे भी प्रमाण की जरूरत है। तो प्रत्यक्ष है तो इवन इफ योर यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट आर एबनॉर्मल, विच कैन बी, विच इज पॉसिबल, प्रत्यक्ष है कि वहां पे फीटस है, प्रेगनेंसी है। और जब पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है तो न्यूरोसर्जन्स ज्यादातर डिक्लेयर करते हैं ब्रेन डेड, उनको कौन बताता है कि वो तो साइंस देख के करते हैं, साइंटिफिक एविडेंस स्कैन से मिलता है। हम स्कैन करके बताते हैं ये ब्रेन डेड है, आप डिक्लेयर करिए जाके, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली जाके बोलते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइफ टू द एंड ऑफ लाइफ, एक रेडियोलॉजिस्ट हमेशा पेशेंट के साथ रहता है, चाहे बीमारी कोई भी हो। रेडियोलॉजी का रोल हर बीमारी में है। तो देखते देखते, इतने साल से प्रैक्टिस करते करते, हमने देखा कि कभी कोई पेशेंट ठीक तो नहीं हो रहा है।
तो फिर समझ आया कि ये मैनेजमेंट का तरीका है, क्योर का तरीका नहीं। तो फिर क्योर के तरीके और होंगे, और चूंकि मैं भारतीय हूं और संस्कृत जानता हूं, तो हमने अपने इंटरेस्ट से इतने सालों में पूरा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जिसको भी आप हीलिंग कहते हैं, सभी हमने कोशिश की समग्र रूप से पढ़ने की। तो इसलिए माय वे ऑफ लुकिंग एट अ पेशेंट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स दैट यू हैव एवर मेट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी को, जैसे कोरोना, हम कोरोना में ही देखें, पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि लंबी चौड़ी बातें करके, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, इतने बड़े बड़े डिग्रीज लेके, पेशेंट हम बचा पा रहे हैं कि नहीं। आपने देख ही लिया कि हो क्या रहा था, लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, वापस नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी थी, कहीं ना कहीं कोई समझ में। इसलिए मैं कैसे पकड़ पाया, क्योंकि हम बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, और ये भी जानते हैं कि ये बेसिक्स कई बार इंसान के शरीर में काम नहीं आता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछूं, सबको पता होगा 2+2=4 है, 2+2=4 है, इसलिए हमने रॉकेट जैसी चीज बना दी है जो आसमान पे उड़ता है, क्योंकि उसके बेसिक्स 2+2=4 है। बॉडी में 2+2=4 हो सकता है, लेकिन बॉडी में 2+2=22 भी हो सकता है, 2+2=22 भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है। ये बॉडी इंसान के बनाए हुए साइंस पे नहीं चलता। इसलिए बॉडी को समझने के लिए ब्रह्म को समझना पड़ेगा, ब्रह्म से ब्राह्मण को समझना पड़ेगा, और जब तक आप उस सांख्य दर्शन के तरफ से बॉडी को नहीं देखोगे, तब तक बहुत सी बातें नहीं समझ आएंगी। तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी मैं फिर से देख रहा हूं कि ये फिर से सर उठाने लगा है कि कोरोना कई जगह लोगों को हो रहा है, तो मैं पहले उस पे बात कर लूं, ताकि अगर गलती से भी आपके घर में कोई अगर ऐसी बात हो या आपको खुद हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि करना क्या है। 10,000 बीमारियां इंसान को पता है, इंसान जो लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोगों को 10,000 ही बीमारियां पता है, 9,985 इतने ही डिजीजेस नोन है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ डिजीजेस नहीं है, इतने में ही जितने डॉक्टर्स हैं घूमते रहते हैं, इसी 9,985 डिजीज, 9,985 डिजीजेस हैं, लेकिन बीमार होने के तरीके सिर्फ दो है, सिर्फ दो तरीके। पैथोजेन बीमार करता है, पैथोजेन मतलब पैथोलॉजी जनरेटर को शॉर्ट में पैथोजेन कहते हैं, पैथोजेन मतलब एजेंट जो बीमारी कॉज करता है। ये एजेंट बाहर से आ सकता है जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो सकता है जैसे कैंसर, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। तो यही दो तरीके हैं बीमार होने के। अगर बाहर से कोई पैथोजन आया, हिंदी एक्सेप्टेबल है, सबको समझ आ रही है, लास्ट में सुनाई पड़ रहा है सबको, थैंक यू। तो अगर बाहर से सेल आया, पैथोजन बाहर से आया, जैसे कोरोना, जैसे फिर आने वाला है, बाद में भी आ सकता है, कोई और नाम से आ सकता है,
बेसिकली ये है कि बाहर से सेल आ रहा है, तो बॉडी चूंकि ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, यही देवता है, इसको हम पहचानते नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में ढूंढने वाले लोग, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में और चर्च में गॉड अल्लाह को ढूंढने वाले लोग, ये बात समझना पड़ेगा कि भगवान आपके अंदर है, आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो। इसी मिथ्या और मृग तृष्णा में उम्र निकल जाती है। ये तो उम्र भर अंदर थे, मैं इनको बाहर बाहर ढूंढ रहा था। तो मैं आपको साइंटिफिकली ये प्रूव करने आया हूं कि कैसे साइंस आपको आपको बता रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर ही हैं। दिखाता हूं, बच्चा जब मां की कोक से निकला, बर्थ पैसेज में, बर्थ पैसेज से जैसे ही निकला बाहर, उसके फेस पे काली सी वो लगी होती है, वही बैक्टीरिया है, वही वायरस है, वही फंगस है जो आपकी सांस शुरू करती है। ब्रह्मा लाइफ हैज स्टार्टेड, वही बैक्टीरिया आपको उम्र भर मेंटेन करती है विष्णु, और वही बैक्टीरिया ब्लैक फंगस बनके अगर कोई बॉडी का पार्ट मर जाता है, उसको पंच तत्व में विलीन कर देती है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर बैठे आपके माइक्रोबायोम हैं, आप कहां बाहर ढूंढ रहे हो। एक और बात आपको बताऊं, इस शरीर को अगर शांत रहना है तो 9 माइक्रोबायोम्स हैं, 9 डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, म्यूकर, यीस्ट, ये सब कुछ अंदर हैं। उनको समन्वय में रहना जरूरी है, अगर वो समन्वय में नहीं है तो आप डिजीज्ड हैं, अगर वो समन्वय में है तो आप शांत हैं। तो 9 टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोम्स हैं। और हम आत्म शांति के लिए कौन सी पूजा करते हैं? नवग्रह की पूजा करते हैं। तो ये नवग्रह और 9 माइक्रोबायोम्स, अगर नवग्रह शांत है तो आप शांत हैं, 9 माइक्रोबायोम शांत है तो आप शांत हैं। इसलिए ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज द हाईएस्ट इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड। अब आप इज इक्वल टू MC स्क्वायर सबको पता है, सबने सुना होगा। अगर एक भी इंसान को, इंजीनियर्स को भी, अगर मैं कभी पूछता हूं कि तुम इसको जनरल पब्लिक को जिसको नहीं मालूम है उसको समझाओगे कैसे इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तुम बोलोगे उसके तो ऊपर से चला जाएगा, तो उसको तो बात समझ में नहीं आएगी, उसको उसकी भाषा में समझानी पड़ेगी। इसलिए जो बहुभाषीय लोग होते हैं उनके पास ये थोड़ी सी कला होती है कि वो दूसरे भाषा में या दूसरा एग्जाम्पल देके समझा पाते हैं। अब ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर कोई बताएगा क्या है, या कोई नॉर्मल इंसान को अगर बताना है तो कैसे बताएंगे? विल एनीबडी वॉलंटियर? नहीं, वो तो आविष्कारक थे, लेकिन उसको समझाएंगे कैसे किसी को कि उसका क्या मतलब है? किसी 4 स्टैंडर्ड के बच्चे को कैसे समझाएंगे जिसको नहीं मालूम है कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्क्वायर वाले इक्वेशंस नहीं पता है, उसको कैसे समझाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एनर्जी और मास एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो उसका मतलब है कि ये जैसे है, मान लीजिए 40 ग्राम का है, इसमें मास है 40 ग्राम, इसको अगर सी स्क्वायर का फोर्स दे दिया जाए, सी स्क्वायर इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, सी स्क्वायर का फोर्स लगा दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर, राइट? तो एनर्जी को कूल डाउन करो तो मास बन जाएगा,
तो ये अगर किसी अनपढ़ आदमी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे। यही है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल ढंग से आप बहुत आराम से समझा सकते हैं किसी को भी। तो साइंस यूजुअली चीजों को कॉम्प्लिकेट करके रखती है कि ज्यादातर लोगों को समझ में आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसके लिए आपको बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा। अगर कोई सरल भाषा में समझाए तो ये बड़े आराम से समझ आने वाली चीज है। और ज्ञान जितना सरल हो उतना व्याप उसका बढ़ता है, और ज्ञान जितना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना व्याप कम होता है उसका। लोग आपको समझते हैं कि बहुत ज्ञानी हो, तो आदमी को ज्ञान से ना भारत से गुरु बनना सीखना चाहिए। अगर पावरफुल बन गए, एक पावरफुल आदमी के बगल में खड़े होके आप संकुचित और छोटा महसूस करते हैं। एक गुरु के सामने, एक गुरु के बगल में खड़े होके प्रफुल्लित और सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ पावरफुल मैन एंड अ गुरु। और भारत हमेशा विश्व गुरु था, है और बनने की कोशिश में कार्यरत है, और हम लगे हुए हैं। तो इसलिए ये बातें नॉर्मली एक गुरु ही बता सकता है। तो कमिंग बैक टू कोरोना, अगर मान लीजिए पैथोजन बाहर से आया तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी सबसे पहले उसको मारने का प्रयास करेगी। उसके पास क्या टूल है? AK-47 तो है नहीं, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया मर जाए। पूरी दुनिया क्या कर रही है? टेम्परेचर कम कर रही है। हम बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं? हम बॉडी के रिस्पॉन्स को समझ नहीं पा रहे हैं और हार्म कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? मौत नहीं होगी, मौत बहुत बाद में होगी, पहले डिहाइड्रेशन होगा। आप पेशेंट को हाइड्रेट क्यों नहीं कर रहे? आप टेम्परेचर कम करने के चक्कर में क्यों पड़े? हाइड्रेट करो, बॉडी के रिस्पॉन्स को रेस्पेक्ट करो। जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे चीजें ठीक नहीं होगी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दवा ले लो, ब्लड प्रेशर कम कर लो। ब्लड प्रेशर किसने बढ़ाया? बॉडी ने। बॉडी आपके सोच और समझ से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। आपकी सोच जहां पे खत्म हो जाती है, बॉडी की सोच वहां से शुरू होती है। इसलिए इस बात को रेस्पेक्ट करना जरूरी है कि बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है आप समझ नहीं पा रहे। तो बॉडी ने ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ाया कि ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल चाहिए, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, आपने कम कर दिया, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को कम प्रेशर से ब्लड मिल रहा है। तो याद रखिए, अगर दवा पे कंट्रोल किया तो 20 साल में किडनी फेल करेगी, क्योंकि किडनी को जिस प्रेशर से ब्लड मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, आपने दवा देके कम कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है बॉडी के रिस्पॉन्स को पहचानिए। तो बॉडी ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन होगा, आप उसको हाइड्रेट कर दीजिए। हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा, 8 से 10 घंटे में कोई भी फीवर कम हो जाता है। अगर बहुत ही सिक पेशेंट है, किसी को किडनी फेलियर है, स्टेज 4 कैंसर है, डायबिटीज, पूरा ओबीज पेशेंट है, तो उसको 20 से 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 24 घंटे में फीवर डाउन हो ही जाता है। हाँ, एक दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर 105 के ऊपर फीवर हो गया तो पट्टी भी देना है, और गर्म पानी में पांव भी डुबाना है ताकि पसीना निकल जाए और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, ताकि फंक्शन ऑफ दी हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स चलता रहे। इसलिए 105 के ऊपर नहीं जाना, उसको कम कर देना है। तो ये बड़े बहुत ही सरल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। एक दिन में मैक्सिमम 24 आवर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है।
लेकिन आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा और ये पक्का सोच के चलना पड़ेगा कि 24 घंटे में मौत नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक आप पानी पिलाते रहेंगे, पानी पी के कई बार वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग करिए फिर पानी पीजिए, फिर वॉमिटिंग करिए फिर पानी पीजिए, और कुछ खाना बंद करिए। अगर इंसानों से नहीं तो कम से कम जानवरों से सीखिए। जानवर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या करता है, खाना बंद करता है। हम क्या करते हैं, सोचते हैं अब तो बीमार है, अब ब्रेड खाएं कि दूध खाएं कि क्या खाएं, ऐसा लगता है कि हमारे पेट में महिषासुर घुस गया है। हमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाना है और सारा प्रॉब्लम यही। तो हमें फर्स्ट डे उसको सिर्फ हाइड्रेट करना है और एन एवरेज 5 लीटर पानी देना है और बिल्कुल वेट करना है 24 घंटे में, मैक्सिमम 24 आवर्स में टेम्परेचर कम होना ही है, ये विश्वास करते चलिए। 24 आवर्स के बाद जो सेल्स उस वायरस या बैक्टीरिया या यीस्ट या म्यूकर से इफेक्ट हुए हैं उसको भी मारना है, क्योंकि वो तो वेस्ट सेल है। तो बॉडी के पास क्या टूल है, दूसरा टूल क्या है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाई, वायरस को मार दिया, जितने वायरस थे सबको मार दिया तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप, जो सेल्स इफेक्टेड हो गए हैं बॉडी क्या करेगी, उसको मारने का ट्राई करेगी। बॉडी के पास क्या टूल है, बहुत तेजी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, बहुत तेजी से करेगी। आपने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। आप देखिए आप बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत सी बातें अनलर्न करने पड़ेंगी। हम लोग एक किताब लिखने का सोच रहे हैं, अनलर्न विद डॉक्टर अवधेश पांडे। बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं तो आप क्या बोलेंगे, अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, इसको अनलर्न करना पड़ेगा। आप अंदर हवा लेते हैं, आप अंदर हवा लेते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, उसमें 20% ऑक्सीजन है, ये याद रखिए। क्योंकि आपने लर्न कर करके हम लोग एक्चुअली हमारी खंडित दृष्टि और खंडित दृष्टिकोण इस स्थिति में पहुंच गया है कि हम हर कुछ को खंडित तरीके से देखते हैं, समग्र रूप से देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हीलिंग में समग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप हवा लेते हैं, हवा में 20% ऑक्सीजन है। जितने लोगों ने 7th स्टैंडर्ड पास किया होगा, ऑक्सीजन पहली बार जब प्रीस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, तो ऑक्सीजन का पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट फेवर्स कंबशन, आग लगाती है, ऑक्सीजन आग लगाती है। तो अगर ऑक्सीजन दे दिया पेशेंट को तो इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है कि सीआरपी इतना बढ़ गया, आग लगाई है आपने अपनी खंडित दृष्टि के चलते। हमने क्या किया, हमने हवा दे दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। सभी पेशेंट जिनको हवा देना था बच गए। ऑक्सीजन वाले क्या हुए मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यही खंडित दृष्टि और खंडित दृष्टिकोण, यही प्रॉब्लम है। हल्दी में हम करक्यूमिन ढूंढते हैं कि करक्यूमिन हील करेगा। आप करक्यूमिन खा के देख लो, हील नहीं करेगा। पूरी हल्दी खानी पड़ेगी, होल फूड खाना पड़ेगा, उसमें करक्यूमिन ढूंढ लिया आपने, इसमें करक्यूमिन ज्यादा है, इसमें करक्यूमिन कम है, ये बहस के लिए अच्छा हो सकता है। हीलिंग के लिए पूरी हल्दी खानी पड़ेगी, तभी आप ठीक होंगे, नहीं तो करक्यूमिन से ठीक नहीं। इसीलिए लॉजेंज और ये कैप्सूल फॉर्म में लहसुन खाने वाले, उसको लहसुन का कभी कोई इफेक्ट आ ही नहीं सकता है। उसको आपको दांतों से चबाना पड़ेगा। तीसरी बात, समझ की बात यह है कि नींबू जैसे है, नींबू इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, नींबू एसिडिक है, अगर उसमें रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा,
एसिडिक है, 3.5 पीएच है उसका। कभी आपने सोचा नहीं कि एंटासिड के एडवर्टाइजमेंट में, इनो के एडवर्टाइजमेंट में नींबू क्या कर रहा है? एसिडिटी के लिए है, इनो एसिडिटी के लिए खाते हैं, उसमें नींबू क्या कर रहा है? ये पूछने ऐसी बात है, ये सोचने ऐसी बात है कि नींबू कर क्या रहा है उसमें? तो क्या लगता है आपको, क्या कर रहा है? नींबू एसिडिक है, टाइलिन जो आपके सलाइवा में है उससे मिलता है तो एल्कलाइन हो जाता है और एंटासिड का काम करता है। ये बॉडी है जो आपके समझ के बियॉन्ड है। बहुत सी बातें इंसान के समझ के बियॉन्ड इसलिए है, ये बॉडी ब्रह्म है, आपको पता ही नहीं है ये क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ नहीं कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है। जरूरत है आपको इस बॉडी पे विश्वास करने की, जो हमें नहीं है, हमें लगता है कि नहीं। उसी डॉक्टर को पता है, उसी हॉस्पिटल में, जो 14 फ्लोर्स का हॉस्पिटल है, ज्ञान वहीं पे छुपा हुआ है, बाकी सब जगह तो अज्ञानी ये घूम रहे हैं, इस मिथ्या में जीवन चले जाती है। इसलिए कई बार इन बातों को समझना जरूरी है। सो वी विल रिकैपिचुलेट। फर्स्ट डे पानी देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन बॉडी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, डरना नहीं है, प्लीज डरना नहीं है, हवा ज्यादा लेना है। हवा कैसे लेना है? पेट के बल लेट जाइए। आप जब पेट के बल लेटेंगे एक नॉस्ट्रिल चलता है, पेट के बल लेटेंगे दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाता है। पेट के बल लेट जाइए, दोनों नॉस्ट्रिल से हवा पूरी मात्रा में लीजिए। 15 मिनट के अंदर आपका वो जो आप औजार लेके चल रहे हैं ऑक्सीमीटर, वो 98% दिखाने लगेगा 15 मिनट के अंदर। इंतजार करिए, इस बॉडी पे विश्वास करिए, ये ब्रह्म है, विश्वास करिए। रुकिए, दूसरे दिन फ्रूट्स, विटामिन सी, धूप में बैठिए, विटामिन डी धूप कैप्सूल में कैप्चर्ड है, पता नहीं हो सकते हैं, साइंस हो सकता है बहुत आगे बढ़ गई होगी, लेकिन धूप जहां तक मुझे पता है सूरज की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए साइंस थोड़ी कम है, हम अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए और पहुंच पाएंगे इसकी बहुत उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेचर ने कुछ बनाया है जो सूरज की किरणों को कैप्चर कर सकता है, वो है पत्ते। लीव्स आर दी ओनली वे वेयर सोलर एनर्जी कैन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर दूसरा कोई है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए धूप में बैठाइए, विटामिन डी का सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है। तीसरे दिन और 5 लीटर पानी तो रहेगा ही, फ्रूट्स भी रहेंगे। फर्स्ट डे सिर्फ 5 लीटर पानी, नेक्स्ट डे 5 लीटर पानी, फ्रूट्स, नारियल पानी पी सकते हैं, सब कुछ, सभी फ्रूट्स ले सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, कुक्ड फूड नहीं, क्योंकि कुक्ड फूड इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। इन्फ्लेमेशन वर्ड कहां से आया? इनफ्लेम्स, इन्फ्लेमेशन इनफ्लेम से आया है। फ्लेम्स में क्या था? फूड आपका, इसीलिए इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। अगर आप रॉ फूड खाते तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता। इसलिए सेकेंड डे सिर्फ फ्रूट्स, सैलेड्स। थर्ड डे नमक की बहुत क्रेविंग होगी, 48 आवर्स हो गए, अब नमक चाहिए, तो थोड़ा सा खिचड़ी खिला दीजिए दोपहर को। चौथे दिन वो जॉगिंग करने लगेगा, हो गया कोरोना खत्म। बस इतना ही है, इतना ही स्टोरी है, इससे ज्यादा उसको दूर भागो, तुम 2 किलोमीटर दूर, वो झोपड़ी में रहो, हमारे पास आओ मत, तुम हमें भी कोरोना दे दोगे, ये सब बातें कम से कम हम तो नहीं मानते। हमने तो हर पेशेंट को गले लगाया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो बहुत सी हम ऑनलाइन कर रहे थे, तो बहुत से पेशेंट्स को वैसे ही
हाथ जोड़ के ये बोला कि हम आपसे मिलेंगे जरूर एंड वील डेफिनेटली मीट, लेकिन जो लोग आसपास के थे उनको गले लगाया हमने, हमने कोई, क्योंकि हमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, 100 ट्रिलियन, जिसमें से 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ यीस्ट म्यूकर है, ओनली 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स। तो आप एक बैक्टीरियल कॉलोनी हो, वायरल कॉलोनी हो, आप एक वायरस से मर गए, बात कुछ तर्क संगत नहीं लगती। एक वायरस ने जीना हराम कर दिया, बंदी बना दिया आपको। ये उस समय इसलिए बात ये गले के नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां पर लोग बात कर रहे थे कि हमने अब वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसको रिप्लेस कर देंगे, वही जीन से डेथ होता है, उसको रिप्लेस कर देंगे तो हम इच्छा मृत्यु हम कर सकते हैं, मतलब हम गॉड होने की स्थिति में चल रहे थे, और एक वायरस ने उस बलून को में पिन मार दिया। इसलिए कई बार पांव धरती पे रखने जरूरी हैं, जिनके पांव धरती पे नहीं है वो बहुत दिनों तक धरती पे रहेंगे नहीं। पांव धरती पे रखना लिटरली एंड फिगरेटिवली बहुत जरूरी। आप देखिए छोटी छोटी चीजें जैसे पांव धरती पे रखना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। इलेक्ट्रिकल बॉडी क्यों, क्यों इलेक्ट्रिकल बॉडी है भाई, कोई पूछ सकता है क्यों इलेक्ट्रिकल बॉडी है? इलेक्ट्रिसिटी कहां नजर आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से आप शुरू हुए, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज किया तो एक बड़ा स्पार्क ऑफ लाइट निकला, वो स्पार्क जितना बड़ा था उतनी बड़ी आपकी जिंदगी होगी, वहां से शुरू हुई बात है। अगर छोटा स्पार्क है, मान लीजिए वाइफ हस्बैंड में बहुत प्यार नहीं है, अगर एक दूसरे से बहुत प्यार नहीं करते हैं तो जो प्रोजेनी होगा उसका स्पार्क बड़ा नहीं होगा। हमें ये बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम गर्भ संस्कार पे भी काम कर रहे हैं और आज के युग में कोशिश कर रहे हैं राम पैदा करने की। आप सोचेंगे ये कैसी बात है, आपको लगता है राम आज के युग में पैदा हो सकते हैं क्या? राम को पैदा करने के लिए दशरथ और कौशल्या लाना पड़ेगा, तो इसलिए माँ बाप को दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। और दशरथ दशानन में फर्क मैं बहुत श्योर हूं लोगों को पता होगा, कोई बताएगा दशरथ और ये दशानन में फर्क क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 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 दसों को बाह्य मुखी पिपासा जिसकी है उसको दशानन कहते हैं। एक पिपासा बंद हुई दूसरी खुल गई, रावण, और दसों इंद्रियों को रथने की क्षमता जिसमें है उसी के घर में राम पैदा होते हैं जैसे दशरथ। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेगी, हमें ये बातें जाननी पड़ेगी, तभी हम जाके नेक्स्ट जनरेशन को ये बातें बता पाएंगे। नहीं तो आज मैं देख रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन को ये बातें बताने वाले लोग भी नहीं है आजकल। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू, मैं बहुत क्लियर था बातों बातों में, मैंने इसलिए एक्सटेंड किया कि आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फ्लू या फ्लू लाइक सिम्टम्स कभी भी हुए तो आपको करना क्या है। पैरास्टामोल के चक्कर में नहीं काम नहीं घूमना है। और मुझे आयुर्वेद वालों से शिकायत इसलिए है, इसलिए शिकायत है कि वो कंपटीशन में आ गए। आयुर्वेद जननी है, जननी अपने प्रोजेनी और उसके प्रोजेनी और उसके प्रोजेनी से कंपटीशन में, ये बात तर्क संगत नहीं लगती। आयुर्वेद जननी है, आयुर्वेद फंस के कहां पे रह गई है? आयुर्वेद का 6-7% औषधि है, 93% वे ऑफ लाइफ है आयुर्वेद। उम्र ज्यादा बढ़ाने की क्षमता कैसी आपकी जिंदगी सोच से लेके समझ तक कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद इस पे बेस्ड है। और हम कहां पे फंसे हैं? बॉस तुम्हारे पास पैरास्टामोल है तो मेरे पास ये
ये वट्टी है, सुदर्शन वट्टी है, हम इस कंपटीशन में आयुर्वेद के लोग फंस गए। ये बहुत दुख की बात है कि आयुर्वेद को इससे ज्यादा क्षति और कोई नहीं पहुंचा सकता अगर आप औषधि में फंस गए तो। क्योंकि आयुर्वेद का ये बताना जरूरी है कि 6-7% ही औषधि, बाकी 93% इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ हम सिखा नहीं रहे, इसीलिए आहार ही औषधि है। क्योंकि हमें औषधि चाहिए। अरे बॉस तुम बताओ तो बस दवा क्या है? अब आप सोचिए आहार ही औषधि कैसे? आहार औषधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फार्मेसी। आहार कहां से आता है? फार्म से आता है। तो हमने एक नया डेफिनेशन दिया है, FARMACY, फार्म प्रोड्यूस से जो चीज आ रहा है, क्या मैं उससे ठीक कर पा रहा हूं? हाँ हम कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। किसी भी चीज में अगर मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी है, मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी डिजीज है, तो डेफिशिएंसी कैप्सूल ही पूरा करेगी? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे कोई आहार पूरा करेगा? और आहार में हमारी स्थिति क्या हो गई है आजकल? जो लोग खेती करते हैं वो ये बात जानते होंगे कि पहले क्या होता था, जो मेड़ लगाते थे हम, जहां पर धान और चावल उसमें मेड़ लगाते थे, मेड़ में कई चीजें, कई पानी होते थे जो हमारी गौ माता या बाकी सब जानवर जाके वहीं से पीते थे और बड़ी खुशी खुशी जिंदा रहते थे। आज अनफॉर्चुनेटली उस मेड़ से पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि आपने इतना खाद और इतना केमिकल्स डाला है, वो पानी इतना जहर हो गया है कि वो हमारे हमारे पशु पिएंगे तो मर जाएंगे। और आप सोचिए उसी आहार को आप खा रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप जिंदा रहेंगे, इससे बड़ी दुख की बात। और क्या हम कॉमन सेंस भी खो दिया हमने? क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि अगर उस पानी से जो आपके खेत में लगा हुआ है उससे अगर गौ माता मर जा रही है, वो खाने से आप जिंदा हो जाएंगे? सोचिएगा इस बात। तो आहार होना कैसे चाहिए? इसलिए जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए पंचगव्य भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गौ माता भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए धरती माँ भी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने अर्थ डे मनाया, हम सबको ये जानना चाहिए पृथ्वी सूक्त। अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर कम से कम गूगल में जरूर ढूंढिएगा पृथ्वी सूक्त क्या है, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन पृथ्वी सूक्त मैं बहुत श्योर हूं अगर लोग पढ़ेंगे उनकी आंखों से आंसू जरूर निकलेगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, ये धरती मेरी मां है और मैं इसका संतान हूं, मैं पांव भी ऐसे रखूं कि मां को चोट ना लगे। हम जब तक इस भाव से धरती को नहीं देखेंगे तब तक तो हम केमिकल डालते रहेंगे और उसमें तो उगते रहेगा, हमारे पास ज्यादा पैसे आते रहेंगे और हम मरते रहेंगे। हमें इसमें इस बात को भक्ति भाव जगाना ये बहुत जरूरी है। यही फर्क है इंग्लिश और संस्कृत में। आप देखिए देश भक्ति होती है, उसका इंग्लिश क्या है? पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म एक इज्म है, इज्म एक भीड़ का उन्माद भी हो सकता है, भक्ति एक भाव होती है। भक्ति मतलब भक्त भगवान में समा गया, वही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? मैं भी भगवान हूं, वो भी भगवान है, ये सब भगवान है, हम सब भगवान हैं, क्योंकि हम उसके भाग हैं, इसीलिए भक्त है, नहीं तो विभक्त हो जाते। इफ आई हैव माई ओन एंटिटी एंड दैट इज गॉड्स एंटिटी, दैट मीन्स मैं विभक्त हूं, मैं भक्त नहीं। इसीलिए जो संस्कृत के वर्ड्स हैं
उसका पर्यायवाची हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं। जैसे साइंस का पर्यायवाची शब्द क्या है? विज्ञान। विज्ञान साइंस का पर्यायवाची शब्द हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। विज्ञान एक विशेष ज्ञान है जो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। आप ज्ञान पांच इंद्रियों से लेते हैं, इन पांच इंद्रियों से आप ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान का मंथन आपके चित्त में होता है, आपकी मेमोरी में जो आपने पहले से कलेक्ट किया है ज्ञान, उसमें मंथन होता है। उसके बाद जो आपको विशेष बोध होता है उस ज्ञान के बारे में, वो आपका विज्ञान है, वो साइंस नहीं। साइंस इन्हीं पांच इंद्रियों से घुस के ये घुसने वाली चीज है, वो विज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं संस्कृत का पर्यायवाची शब्द किसी और भाषा में संभव नहीं है। हिंदी में थोड़ा बहुत संभव है, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी। कमिंग बैक टू लेट फूड बी दाई मेडिसिन, हमने कोरोना में आपको एग्जाम्पल दिखाया अभी कि सिर्फ फूड और फूड आइटम से पेशेंट बचते कैसे, कैंसर, क्योंकि बात है तो कैंसर की भी बात हो जाए, एक इंफेक्शन की बात हो गई तो एक ऑटो इम्यून डिजीज की भी बात हो जाए। चलिए ऑटो इम्यून फर्स्ट बात करते हैं, मतलब पहले हमने इंफेक्शन की बात की फिर ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, आपने ब्रोंकियल आस्थमा सुना होगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस सुना होगा, थायराइडाइटिस सुना होगा, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेस। किसी डॉक्टर को आप पूछेंगे वो बोलेंगे इसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो समझ में क्वेश्चन मार्क है। पहले तो नाम पे जाए, ऑटो इम्यून डिजीज। अभी अभी हमने बात की थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, अगर ऑटो इम्यून डिजीज है मतलब आपका भगवान आपसे नाराज है। तो इम्यून सिस्टम कहां है? 80% इम्यून सिस्टम आपके गट में है, 10% आपके एक्सटर्नल कवरिंग्स पे है, 10% इंटरनल कवरिंग्स पे है, यही 100% इम्यून सिस्टम है। तो 80% इम्यून सिस्टम कहां है? आपके गट में, मुंह से लेके गुदा तक, इतना ही है इम्यून सिस्टम 80%। तो अगर आपने कुछ ऐसी चीज खाई जो इस शरीर के साथ चलती नहीं है तो बॉडी रिएक्ट करेगी, वो रिएक्शन उसको मारने का होगा, तो वो एंटीबॉडी बनाएगी उसको मारने के लिए। यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर जाके थायराइड में जमा हो गया तो उसी को हम हैशिमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं, अगर जॉइंट में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, अगर लंग्स में हो गया तो ब्रोंकियल आस्थमा बोलते हैं, अगर ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। हम बोल वही रहे जो एक सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो गट में हुआ है। और हम बीमारी कहां ढूंढ रहे हैं? थायराइड बीमार नहीं है, जॉइंट बीमार नहीं है, लंग्स बीमार नहीं है, ब्रेन बीमार नहीं है, बीमार है आपका गट। और आप बीमारी दूर कर रहे हो उस ऑर्गन में, वो कभी ठीक नहीं होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज ठीक करना है, हम गट को ठीक करते हैं, आहार ही। तो आपको बात समझ में आ गई, आहार औषधि कैसे? तो हमें ये बातें बहुत सिंपल तरीके से समझनी पड़ेंगी। और हेल्थ एक्चुअली बहुत सिंपल है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, बहुत। एक बेसिक आदमी को लगता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो डॉक्टर को ही पता है, और डॉक्टर अब मुझे समझ में आ गया, धीरे धीरे क्यों बात करते हैं, और कम कम क्यों बात करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं ताकि आप सुन न लें और समझ न लें।
मुझे तो ऐसे, और राइटिंग भी ऐसा कि माशाल्लाह, हम खुद भी ना, अगर 2 साल बाद हमारे सामने रखा जाए तो हम ही डर जाए, पता नहीं क्या है, क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत सिंपल है, हेल्थ एक बहुत ही सिंपल बात है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। हम देख रहे हैं जैसे डायबिटीज का सर बता रहे थे हमें, 3 दिन हमें, वैसे तो डायबिटीज एक दिन में ठीक होता है, लेकिन हमें थोड़ा बोलते हुए शर्म आती है, इसलिए हम 3 दिन बोलते हैं, क्योंकि वो एक समझ की बात कि ये बीमारी ठीक कैसे होगी, हमें हमें समझना पड़ेगा। डायबिटीज में ही अगर ले लिया जाए, अब तक आप क्या जानते हैं, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज है, ब्लड शुगर बढ़ गया तो डायबिटीज हो, इसीलिए अनलर्न विद डॉक्टर अवधेश पांडे, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज का, कॉज नहीं है। हमें जब बीमारी क्योर करनी है तो इफेक्ट को ऊपर नीचे नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं ऊपर नीचे, कभी ब्लड शुगर ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आज मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है, सुबह में जो लोग ये घूमते हैं 90% लोग, आज मैंने ये दवा ली मेरा ब्लड शुगर यहां पे नॉर्मल है, वह कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, क्योंकि वो उसी इफेक्ट को ऊपर नीचे करने में लगे हुए हैं। तो डायबिटीज का कारण क्या है, डायबिटीज का कारण है हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन का ज्यादा सिक्रीशन आपके पैंक्रियास से। कब होगा, जब आप खाना खाएंगे, अगर आप हर आधे घंटे पे खाना खाएंगे, हर आधे घंटे पे इंसुलिन निकलेगा, बॉडी और सेल्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। आपकी जुबान पे लगाम नहीं है, इसलिए जुबान पे लगाम 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं कराए, जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन 3ों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा। अब देखिए, चूंकि मैं कैंसर प्रैक्टिस करता हूं, 50% हमारा मॉडर्न मेडिसिन में, चूंकि मैं न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी में हूं, तो 50% हमारा काम आजकल कैंसर का है। कैंसर में हम देखते हैं लोगों के घर गांव के गांव बच जाते हैं, और फिर भी वो मृग तृष्णा में रहते हैं कि कल को मैं ठीक हो जाऊंगा, इसी मृग तृष्णा में उम्र भी चली जाती है, जायदाद भी चली जाती है, और जीवन भी चला जाता है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है भारतीय तरीके से किसी चीज को देखना और समग्र रूप से पकड़ना और उसको उखाड़ के फेंक देना जिस काम में हम लगे हुए हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं, जिनका नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम ये कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में स्वस्थ भारत को जोड़ना बहुत जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत, जब तक स्वस्थ भारत नहीं जुड़ेगा, भारत ना एक रहेगा ना श्रेष्ठ बनेगा, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, दैहिक दैविक आध्यात्मिक, इन 3ों स्वास्थ्य से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो दैहिक रूप से तो मोहम्मद अट्टा भी स्वस्थ था, मोहम्मद अट्टा भी बहुत हैंडसम था, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोहम्मद अट्टा कौन था। मोहम्मद अट्टा जिसने ट्विन टावर्स में प्लेन घुसा दिया था, वो पढ़ा लिखा भी था। लोग लोग बोलते हैं ना, आज के दिन में राम रेलिवेंट क्यों है, राम के क्या रेलिवेंस है भाई, देश को प्रोग्रेस करना चाहिए, प्रोग्रेशन की बात करिए, फ्लाईओवर्स की बात करनी चाहिए, हमारे पास कितने प्लेन्स हैं उसकी बात करनी चाहिए, राम कहां से आ गया बीच में। तो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं तुमको नहीं पता, तो आप एक बीच बीच का जवाब देंगे, आपको जवाब देना नहीं आता है, जवाब होना चाहिए कि रामचरित मानस, राम के चरित्र को धारण करिए,
हे जन्मना, राम के चरित्र को धारण करिए, तब जाके आपके सारी बुद्धि बल विद्या सब काम आएगी, नहीं तो नहीं काम आएगी। क्योंकि पढ़े लिखे तो मोहम्मद अट्टा भी थे, बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत पॉश जगह पे रहते थे, उनका अपना घर भी था, परिवार भी था, इंजीनियर थे बाकायदे, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, अमेरिका से इंजीनियरिंग किया था, बहुत अच्छी पगार थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, फिर भी हवाई जहाज ले जाके ट्विन टावर में वो कर दिया और 9/11 कर दिया। किस बात की कमी थी? वही राम के चरित्र की कमी थी। और वही चरित्र की शिक्षा के लिए लोग भारत आते हैं या भारत के तरफ आज देख रहे हैं, इसलिए राम इंपॉर्टेंट है। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए राम इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आहार ही औषधि है एंड गोइंग टू कैंसर। आप देखें कितने लोगों को कोई डिफाइन करेगा कैंसर क्या है। कैंसर एक इनसाइड सेल है, अंदर का ही सेल है, बाहर से नहीं आया, अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया है। अब बाहर के सेल में अंदर के सेल में बहुत फर्क है। अगर पाकिस्तान हमें अटैक करता है, आपको क्या लगता है? हमारे ख्याल से 20-25 मिनट में इंडियन आर्मी क्रश कर देगी उसको, हमारी वो पावर है, इसलिए वो हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा, उसको पता है। लेकिन घर का भेदी लंका ढाया। कैंसर एक इनसाइड सेल है, उसको पूरा सर्विलांस सिस्टम ऑफ द बॉडी पता है, जब सर्विलांस सिस्टम आएगा वो डक कर जाएगा, वो छुप जाएगा और लोगों को मिलाता रहेगा, इसलिए कैंसर पड़ता रहता है और अपना इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पा रहा है। क्योंकि इम्यून सिस्टम कब कब आएगा, कब कब कहां पर छुपना है, उसको ठीक से पता है, कैंसर सेल को ठीक से पता है, इसीलिए कैंसर एक डिफिकल्ट डिजीज, डिफिकल्ट। तो कैंसर अगर इनसाइड सेल है तो टेररिस्ट सेल। अब आप मुझे बताइए एज अ लेमैन, टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म कर दिया क्या आपने? टेररिज्म खत्म हो गया टेररिस्ट को मार के? टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म नहीं होगा। और हम मॉडर्न मेडिसिन में क्या कर रहे हैं? सर्जरी, मतलब काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी जला दो, कीमोथेरेपी पॉइजन कर दो, हम टेररिस्ट को मार रहे हैं, टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने जो अप्रोच निकाला है, हम सिर्फ दैहिक नहीं, हम दैहिक दैविक आध्यात्मिक इन इस त्रिशूल से प्रहार करते हैं। इसलिए कई बार जब हमसे बहस होती है या कोई एक दो बार ऐसी बात हुई है कि बहुत बड़े बड़े लोग ऑन्कोलॉजी सर्कल्स के बैठे हुए हैं, जिसके लिए मैं ऐसी वेशभूषा रखता हूं क्योंकि वो यही भाषा समझते हैं और कोई भाषा समझते ही नहीं। तो वो बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि आप क्या बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, डू यू हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस अबाउट इट? तो बोला चलो मेरे पास तो है लेकिन बाद में बात करेंगे, पहले आप बताइए आप जो कर रहे हैं उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि एक बंदा पूरी दुनिया में लोग सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे ये बताएं एक पेशेंट का नाम एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दें कि सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से वो ठीक हो गया हो, मैं जानना चाहता हूं। मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे एक नाम मिल जाए कि हाँ भाई ये फला फला नाम है, ये रहते हैं बेंगलुरु के जेपी नगर कॉलोनी में रहते हैं, उनका ये टेलीफोन नंबर है, फोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कि सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से ठीक हो गए क्या। हमें तो आज तक एक भी नहीं मिला, हम तो 24 दे देंगे। हमने 24 पेशेंट को बिना सर्जरी
बिना रेडियोथेरेपी बिना कीमोथेरेपी के ठीक किया है और वो ठीक ठाक घूम रहे हैं, व्हाइल दे आर कैंसर फ्री। तो हम कुछ तो कर रहे होंगे, तभी ये पेशेंट्स ऐसे हैं, कुछ तो हम कर ही रहे होंगे। तो हम यूज करते हैं आहार औषधि के लिए, अन्नमय कोष के लिए। ये बॉडी जो आपको दिख रही है ये अन्नमय कोष, इसको चलाता है प्राणमय कोष, उसको चलाता है मनोमय कोष, उसको चलाता है विज्ञानमय कोष, और सबसे ऊपर बैठा है आनंदमय कोष। इन कोषों के बीच में आप चलते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी एंटिटी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी। अगर मैं आपसे जलता हूं तो मैं आपका, शायद मैं जेंटलमैन हूं, कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, मैं आपसे झगड़ा तो नहीं कर सकता हूं, या मर्डर नहीं हूं कि जाके मर्डर कर दिया, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अपने मन में जलता रहूंगा तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मैं अपना बहुत बिगाड़ूंगा। ये जो बात है ये अब तक हमारे ऑरा में है, ये धीरे धीरे फिजिकल डोमेन में मैनिफेस्ट करेगी, इट विल मैनिफेस्ट एज अ डिजीज, हो सकता है वो कैंसर बन जाए। तो आप अगर सिर्फ कैंसर अपने भौतिक शरीर से निकाल रहे हो तो वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, जिसको आप नया नाम दोगे मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक नया नाम है जो हम दे रहे हैं, ये भाई हमने वहां से तो कैंसर निकाल दिया था, लेकिन ये हड्डी से निकल आया, लीवर से निकल आया, ये वही कैंसर है जो आपके काबू नहीं आया, या तो आपकी समझ नहीं थी या आपके काबू नहीं आया। तो काबू कैसे आएगा? इसलिए जब तक आप इसके दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों एंगल पे वार नहीं करोगे, तब तक समग्र रूप से कैंसर नष्ट नहीं कर सकते हो। हमारा प्रयास यही। अब आप देखिए, जितने भी लोग हैं, नॉर्मली पेट सीटी स्कैन जो मैं ही करता हूं, मैं ही पेट सीटी करता हूं, और हम ही बताते हैं कि कैंसर फैल गया है या कम फैला है, या वो दवा का कितना इफेक्ट है कितना नहीं है। अब आप देखिए, पेट सीटी में ही हमारे पास वो सभी पेशेंट्स के डेटा हमारे पास मौजूद रहते हैं, कि कभी भी कोई पूछ सकता है, जहां पर पेट सीटी ने ये बताया है कि पूरी बॉडी में अब कहीं कैंसर है ही नहीं। तो वो स्थिति में लाने के लिए हम ऐसे रास्ते अपनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर्जरी करना जरूरी है, जितना साइंस मालूम है उतना हमें भी पता है, हम रोज ये काम करते हैं। तो अगर सर्जरी करना जरूरी है तो सिर्फ ब्लेड से ही सर्जरी कर सकते हैं, आप फूड से भी कर सकते हैं। हमारे पास एंजियोलाइटिक फूड्स हैं जो वहां का ब्लड सप्लाई काट देंगे। सर्जरी का क्या मतलब है? काट दिया, काट के निकाल दिया, हम फूड से कर देते हैं वो। इसीलिए आहार ही औषधि है। जैसे टमाटर डरा के रखा हुआ है लोगों ने कि टमाटर खाओगे तो किडनी में स्टोन हो जाएगा। मैं बहुत सरप्राइज होता हूं जब ये बात सुनता हूं, तो क्योंकि वो एकदम बॉडी को 2+2=4 ही समझते हैं। दूध में कैल्शियम है, तो आपने गौ माता को दूध पीते हुए लास्ट टाइम कब देखा था? उनका कैल्शियम कहां से आता है? उनका कैल्शियम जब घास से आता है तो आपका कैल्शियम घास से क्यों नहीं आ सकता है? बात यह है कि हम ये लॉजिक देखते ही नहीं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, पहली बात तो हमें काऊ और गौ माता में फर्क जरूरी है। काऊ हमारी ग्रीड की पहचान है, गौ माता हमारी नीड की पहचान है। हमने गौ माता को मतलब एक फैक्ट्री बना दिया है, वो उसको आप काऊ बोलते हैं। हमने क्रॉस करके ये करके कि ये वेस्टर्न गाय है, ये ज्यादा दूध देती है, क्योंकि हम अपने ग्रीड से, अपनी ग्रीड के लिए दो आंखें होती हैं,
हमारी तो लगता है पूरे शरीर में आंखें ही हैं, ग्रीड ही ग्रीड है। इसी को इसलिए योग से सीखना जरूरी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम नियम में अपरिग्रही भी आता है, जहां पर आप नेचर से उतना ही लें जितना से आपका पोषण हो सके, शोषण में ना आए। और इसीलिए भारतीयों को यह डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पर्यटन और तीर्थाटन में क्या फर्क है। जिस दिन ये बात समझ गए कि पर्यटन क्या है और तीर्थाटन क्या है, उस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि नीड क्या थी और ग्रीड क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि दिस फूड दैट इज देयर, ये एंजियोलाइसिस का भी काम कर सकता है। किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को बाईपास की जरूरत है, दैट मींस उसको ज्यादा ब्लड की जरूरत है। क्या आपके पास कोई फूड है जो एंजियोजेनेसिस पैदा कर सकता है? हाँ है, हमारे पास है। हम उस फूड से एंजियोजेनेसिस पैदा करते हैं, ज्यादा ब्लड सप्लाई पैदा करते हैं। कुछ फूड्स ओवरलैप करते हैं और कुछ फूड्स क्वांटम होते हैं, जैसे हल्दी एक क्वांटम फूड। कभी आपने सोचा दुनिया का सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक हल्दी, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक हल्दी, दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसरस ड्रग हल्दी है। तो आपके अंदर अगर कोई कैंसर है, इन्फेक्शन है, ये हल्दी को कैसे पता है कि उसको एंटीसेप्टिक का काम करना है कि एंटीबायोटिक का काम करना है कि एंटी कैंसरस काम करना है, कैसे पता है उसको? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं कि हल्दी क्या करेगी, ये हल्दी डिसाइड करती है। इसलिए हल्दी एक क्वांटम फूड है। इसीलिए अगर हमारे प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे, सबसे ऊपर लिखा होता है इन्वोक द डिवाइन। इसको मुंह में डालने के पहले पूजा करिए उसकी। जब तक आप पूजा नहीं करेंगे, आप उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं वो करने के लिए। जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि वो अगर पानी भी पीते हैं तो पहले उसमें दृष्टि ये डालते हैं, उसको चार्ज करते हैं, क्योंकि ये क्वांटम की थ्योरी है। दिस बॉडी वर्क्स ऑन क्वांटम। और मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो अनसाइंटिफिक होगा। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। आप देखिए, मंदिर सभी लोग गए होंगे, मंदिर में वो एक पीतल के तो इतने बड़े लेडी से चरणामृत वो देते हैं ना पंडित, जो आप पीते हैं ऐसे करके और ऐसे लगा लेते हैं, है ना, वो पानी मीठा होता है। कभी गौर किया होता है वो पानी मीठा होता है। कहीं भी जहां पर मंत्रोच्चारण हो रहा है वो पानी डिफरेंट होता है। चाहे आप विष्णु टेम्पल में जाके जहां पर रोज विष्णु सहस्रनाम पाठ होता है, वहां पर आप डुबकी ये लगा के देख लीजिए, वो पानी डिफरेंट है। जो आपके घर का पानी है उससे वो डिफरेंट पानी है, अभिमंत्रित पानी है वो। चाहे वो हरमंदिर साहिब का हो अमृतसर में, वहां भी सुखमनी साहब का पाठ और रोज पाठ होता रहता है। कभी आप उसमें डुबकी लगा के तो देखें, आपको बात समझ में आएगी कि जल अभिमंत्रित कैसे होता है और मीठा कैसे होता है। इसलिए आप अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप एक ही सोर्स से दो ग्लास लीजिए, दो ग्लास में पानी रखिए, एक को एक रूम में रखिए, एक को दूसरे रूम में रखिए। एक रूम में किसी से लड़ाई कर लीजिए या फोन पे गाली दे दीजिए किसी को, दूसरे रूम में गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, किसी तीसरे आदमी को बुलाइए और बोलिए ये दोनों पानी टेस्ट करो जरा और मुझे बताओ कि कौन सा पानी मीठा है और कौन सा खारा है, या कौन सा पानी का टेस्ट अच्छा है, वो आपको बता देगा। अभिमंत्रित पानी कौन सा है? वाटर हैज गॉट मेमोरी। इसीलिए दिल्ली के अंदर का जो जमीन के अंदर का पानी है बहुत खारा है, पीने लायक नहीं है, क्योंकि उस जगह पे मार काट बहुत हुई है,
वाटर हैज गॉट मेमोरी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वाटर हैज गॉट मेमोरी। जिस जगह का इतिहास बहुत अच्छा है, देश प्रेमी लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपस में भाईचारा है, आप वहां पर जमीन के अंदर का पानी निकाल के देखिए, वो मीठा होगा। तो पानी आपको सब कुछ दिखा देगा, हर चीज को या तो पानी पानी कर देगा या पानी फेर देगा। इसलिए इन बातों की ताकत समझनी बहुत जरूरी है। सो द लास्ट लेग दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट आउट इज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से जो आप कैंसरस सेल मारना चाह रहे हो वो फूड से संभव है, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। हम रोज ये काम कर रहे हैं, हम रोज ये काम प्रूव कर रहे हैं, और हम हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप पहले अपने मन में 100% हो जाए, आप पहले पूरी दुनिया में घूम लीजिए, और हमें कोई शौक नहीं, हम यहां पर आपको हेल्प करने के लिए ये बैठे हुए हैं। बहुत हो गया, बहुत दिन तक बहुत पैसे के लिए काम करने वाले लोग और हो गए, हम बहुत पैसे के लिए काम करने वाले लोग नहीं। पैसा उतना ही जरूरत है जितना से ऑर्गेनाइजेशन चल जाए, जितना से हमारा जीवन यापन हो जाए। साई उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इसी स्थिति में रहना चाहिए। तो यूजुअली हम जो काम कर रहे हैं, हम हीलिंग का काम कर रहे हैं। हम पेशेंट अगर एक बार हमें हमारे पास आ गया, हमारी पूरी कोशिश हो जाती है कि ये पेशेंट हील हुए बिना जाएगा नहीं। तो हम यही कर रहे हैं और पूरे भारत में कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग, जितने भी ज्यादा लोग, इसमें हम प्रॉमिस लेते हैं लोगों से, जिन पेशेंट्स को देखते हैं उनसे प्रॉमिस लेते हैं, क्योंकि मैं अकेला सब जगह कहां पहुंच पाऊंगा। तो जिन पेशेंट्स को मैं हील कर रहा हूं या वो हील हो जा रहे हैं, उनको हम प्रॉमिस लेते हैं कि आप दो लोगों को और हील करेंगे, क्योंकि तभी ये आंदोलन के तौर पे जाएगा और पूरा भारत स्वस्थ होगा। और हम कोई सरकारी लोग नहीं है, हम असरकारी असरकारी लोग हैं। धन्यवाद। एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर। तो ब्लड शुगर कम करके आपको वो डॉक्टर को पूछना जरूरी है कि मेरा ब्लड शुगर 400 था, आपने एक टैबलेट दिया वो ब्लड शुगर 100 हो गया, बड़ा जादू क्यों। हम ना जादू देखने की स्थिति में रहते हैं, जादू, हर चीज में जादू हमें देखना है। ये पूछना जरूरी है कि 400 था अभी 100 रह गया, तो बाकी 300 कहां गया, ये पूछना जरूरी है। ये वही है कि बाकी 300 कहीं नहीं, उनको पूछना जरूरी है कि क्या हमारे नाक से निकल गया, सुसु में निकल गया, पॉटी में निकल गया, पसीने में निकल गया, कहीं से तो निकला होगा, कहां निकला, कहां गया वो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो जो 300 है वो कहीं नहीं गया है, वो आपके अंदर ये फॉर्म चेंज कर लिया है, अंतर्धान हो गया है, वो जब बोलोगे प्रकट हो जाए। इसलिए 20 साल तक शुगर कंट्रोल करने वाले की किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि इसी मिथ्या में रहते हैं कि मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, मैं तो दवाइयों पर ठीक चल रहा हूं। ये मिथ्या है, बाहर निकलिए इससे और अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए कि डायबिटीज जैसी छोटी बीमारी, हम तो डायबिटीज को बीमारी ही नहीं समझते, हम तो डायबिटीज को बहुत छोटी बीमारी समझते। एक दो दिन में ठीक होने वाले तो वैसे ही कोई बीमारी नहीं, तो बहुत छोटी बात है। और जो बीमारियां हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसा काम जरूर करें और चीजें इतनी सिंपल बनाएं कि पूरा भारत स्वस्थ हो सके। और हमें किसी से दुश्मनी नहीं, सब लोग चाह रहे हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, मेरे जो जितने डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, ऐसा एक भी डॉक्टर मैं नहीं जानता हूं जो एक्चुअली नहीं चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो, वो चाहता है, उसके पास टूल्स वही हैं जिससे वो काम कर रहा है।
हमने अपने टूल्स बदलने के ये बदलने का प्रयास किया है कि भाई ये तलवार से नहीं हो रहा है, अब मैं जरा AK-47 ही लेके देख लूं, तो मैं वही काम कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है हमारा इंटेंट ये है कि हम डिजीजेस को इतना सिंपल कर दें कि आम आदमी को ये बात समझ में आने लगे एंड मैं डॉक्टर नहीं आप डॉक्टर बने, इसी में मैं लगा हूं। जैसे डायबिटीज कुछ नहीं, अगर आप दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे देंगे तो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा। जब भी आप कुछ खाना खाएंगे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ब्लड में शुगर नहीं बढ़ेगा, ये आपका रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ब्लड में शुगर बढ़ेगा। और एंड बाय द वे इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि चावल खाएं कि रोटी खाएं कि आलू खाएं कि बैगन खाएं कि आम ना खाएं कि केला बिल्कुल खाएं, मतलब हम इसमें बहुत कंफ्यूजन है। आप सिंपल सी बात समझिए, जिस खाने में इंसान की आग लगी है उसमें आग लग गई, जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं। तो कोशिश करें कि ऊपर वाले की आग जिसमें लगी है धूप में जो पका है वो 50% खाएं, और टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट के लिए तो पूरी दुनिया जी रही है, तो आप भी टेस्ट के लिए जिए, आप भी 50% वो खाएं जो टेस्ट के लिए हो, उसमें कहीं कोई भेदभाव ना करें। बस ये देखें कि हाइब्रिड बीज नहीं होना चाहिए और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, और ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिसमें किसी की आह लगी हो। आह लगा हुआ फूड आपको आह ही देगा, आहा नहीं देगा। तो आह लगा हुआ मतलब आपने किसी का वध कर दिया और वो फूड खा लिया, उसमें उस मुर्गे की आह लगी, वो आपका ये भला करेगा, आपको प्रोटीन देगा। ये आपकी छोटी सोच हो सकती है, साइंस नहीं। दूध ये वैसे ही सोच है जैसे दूध पीने से कैल्शियम और हड्डियां मजबूत होती हैं, इस मृग तृष्णा में रहिएगा मत, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप दूसरे स्पीशी का दूध पीते हैं तो आपका एसिड लेवल बढ़ जाता है, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। उस एसिडिटी को बफर करने के लिए आपके बोन और दांत से कैल्शियम निकलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग कैल्शियम यू आर लूजिंग कैल्शियम, ये साइंस है। इसलिए और वैसे भी गौ माता आज के दिन में जो चीज आयुर्वेद में निहित है, आपको अगर दूध पीना है उस हिसाब से पीजिए, उस हिसाब से पीजिए, और दूध को औषधि समझ के पीजिए। क्यों? क्योंकि माँ दूध अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ की ममता है वो। ममता फिजिकलिटी में क्या होगी, ममता एक मेटाफिजिकल टर्म है, आप उसका काउंट कर सकते हैं क्या कि दो किलो ममता की 2 किलोमीटर ममता नहीं कर सकते हैं ना, वो साइंटिफिक नहीं है, वो फिजिकलिटी में नहीं है, वो मेटाफिजिकल है। ममता प्यार ये मेटाफिजिकल चीजें हैं, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसका फिजिकल फॉर्म में, ममता का फिजिकल फॉर्म को दूध कहते हैं, माँ की ममता है वो बच्चे के लिए आई, आप उस ममता का दोहन कर रहे हैं इसीलिए उसकी आह लगी है उसमें, इसलिए केयरफुल हो जाइए। और सिर्फ गौ माता से दूध दूध हम इतना वो ना हो जाए, इसको कहते हैं हम इतना सेल्फिश ना हो जाए कि सिर्फ दूध ही चाहिए, आपको गौमूत्र क्यों नहीं चाहिए, आपको गोबर क्यों नहीं चाहिए। इन सब चीजों से बनने वाली कई कई जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको ये सब चीजें रोक सकती हैं। हम काम कर रहे हैं उस पे, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ दूध दूध दूध, क्योंकि हमारी हमारी सोच सिर्फ अपने तक सीमित रह गई है। आपने कब देखा कि पेड़ जो फल देते हैं खुद ही खा लेते हैं, कब देखा? पूरे नेचर में देने की प्रक्रिया सिर्फ इंसान को लेने की प्रक्रिया है। तो ये है, इसलिए डायबिटीज अगर है दो खाने के बीच में, खाना तो यूं खाएं कि 50% आपका फूड अनकुक्ड फूड हो,
जिसमें ऊपर वाले की आग लगी हो वो फूड हो, 50% कैन बी कुक फूड, और दो बार जुबान खाने के लिए खोलने के पहले 8 घंटे का गैप दे दें, डायबिटीज दूसरे दिन से खत्म। दवा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर दवा लेते रहेंगे, ये बात सुनने के बाद भी अगर दवा लेते रहेंगे तो कमजोरी आएगी और ब्लड शुगर फॉल करेगा, क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मल बॉडी कभी लो नहीं करती है, ब्लड प्रेशर लो बॉडी कभी नहीं करती है, आपकी हरकतें कर सकती हैं, आपकी दवाइयां कर सकती हैं, बॉडी कभी नहीं करेगी। तो आप बस इतना कर लें और डायबिटीज को बाय बाय बोल दें। जी भैया, जी हाँ, एक खाए ना खाए केक, एक अंडा। कभी आपने गौर किया हम बीज खाते हैं, कभी आपने गौर किया चावल क्या है, दाल क्या है, रोटी क्या है, बीज ही है ना। बीज हैज सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है ना, इसलिए हम सीड खाते हैं। अब सीड को आप किसी भी तरीके से बॉयल कर लिया आपने, तो आप निकाल के अगर जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा, क्यों, वो डेड फूड हो गया ना। तो डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है, मैं एक्चुअली वो साइंस जानना चाहता हूं। आप सीधी सीधी बात करें ना, आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो खाइए ना, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो फिर बीमार पड़ेंगे। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, जो आपको स्प्राउट्स में मिलेगा, सैलेड्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, रॉ फूड में मिलेगा, जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है। इंसान की आग जिसमें लगी है वो जल गया है, वो आपके टेस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। नाउ कमिंग टू एग, एग भी एक सीड है ना, लेकिन वो सीड आपके लिए नहीं बना, वो सीड उसमें से कुछ निकलने के लिए बना था, जो आपने निकलने नहीं दिया, निकलने के पहले ही आपने उसको वो कर लिया। और आप अगर देखेंगे जो प्रजनन प्लांट्स कर सकते हैं जिस मात्रा में, उस मात्रा में एनिमल्स नहीं कर सकते, इसीलिए एनिमल प्रोडक्ट्स को रेयर मानिए प्लांट। और वैसे भी मैं तो इन लोगों से भी लड़ता हूं जो जो लोग पैलियंटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं लड़ता हूं और लड़ने के लिए किसी भी फोरम में तैयार हूं, इतिहासकारों से भी, क्योंकि भारत का गलत इतिहास लिख के बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों को मैं ये बोलना भी चाहता हूं कि मिटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, न कोई किताबों की बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी। तो ये जो इतिहासकार हैं जो बोलते हैं आप हंटर गैदरर्स थे, इनको या तो भारत का इतिहास नहीं पता है या भारत के कल्चर से ये वाकिफ नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, हम कभी भी हंटर्स नहीं थे, हम हंटिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करते थे। अरे हम वो लोग हैं जो हंटिंग तो बहुत, जानवरों को मारना तो बहुत दूर की बात है, तीन तीन पूजा पद्धतियां भारत से निकली हैं, योग से निकली हैं, यम नियम से जैनिज्म, ध्यान से सनातन और समाधि से बुद्धिज्म निकले हुए लोग हैं हम। ये योग से निकली हुए पूजा पद्धतियां हैं जिसमें तीनों का सेंट्रल डॉगमा है अहिंसा परमो धर्म, हम इसके पुजारी हैं। आप इतिहास में झांक के देखिए, अश्वमेध यज्ञ करते थे हम, मारकाट नहीं करते थे, घोड़ा छोड़ दिया है, ना पकड़ो 5% हमें दे दो और हमारा प्रभुत्व मान लो, क्योंकि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम वो लोग हैं, हम ये भूल रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म, हम वो लोग हैं। तो हंटिंग हम इंसान को नहीं मारते हैं, जानवरों को नहीं मारते हैं, पेड़ पौधों को प्रणाम करके
उनको बोलते हैं कि अपना फल हमें ये दे दो, और हम गैदरर्स थे, जो चीज नीचे गिर जाती थी उसको उठाते थे, इसीलिए गैदरर्स थे, हंटर्स नहीं थे, इसीलिए हंटर गैदर, इसीलिए इंग्लिश से मुझे खास चिढ़ है, और मुझे लगता है कि ये इंग्लिश ही हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता पे ऐसा आघात किया है कि उसकी भरपाई करते करते नहीं हो रही। जी, तभी जाके प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि इस बार की गुलामी की हर वो चीज हमें समग्र रूप से हटा देनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या जाना चाहिए था? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 75 साल पहले ही चले जाना चाहिए था। और भारतीयता पे आना चाहिए था 2 जून भोजन, और आप यकीन करके चलिए जब आप 2 जून भोजन पे आ जाएंगे, जितनी बीमारियां आपको पता है 95% आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। आप करके तो देखिए। इसलिए आहार ही औषधि। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी, इनपुट ना वेजिटेरियन फूड्स लाइक वी आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स व्हिच आर पॉइजन्ड विद द पेस्टिसाइड्स, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? हां, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, लाइक ब्लड शुगर, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट ऑन ब्लड प्रेशर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बोथ द क्वेश्चंस। एंड इन फैक्ट मैं चाहूंगा कि जितने लोगों के पास पेन एंड पेपर है, या जितने लोगों को मेरा नाम याद रहेगा, @DrAvadheshPandey मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज उसमें एवरी डे हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जो आपको नॉर्मली किताबों में लिखी हुई मिलेंगी नहीं। और हमारी पूरी टीम पूरी इस रिसर्च में लगी होती है कि हम आपके लिए रोज कुछ नया और कुछ ऐसी चीज कैसे लेके आ जाए जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो बहुत मंथन करने के बाद हमें मिली। इसलिए मैं चाहूंगा कि @DrAvadheshPandey आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंच सके। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके, आई विल कम टू योर क्वेश्चन सर, दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई टेक इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। होंठ अगर फट जाते हैं या होंठ अगर लाल करने हैं तो आप लोग क्या करते हैं? लिपस्टिक लगाते हैं। फट जाते हैं तो क्या करते हैं? वैसलीन लगाते हैं। अगर आप नहीं नहीं वैसलीन तो अच्छा नहीं है, मैं तो नारियल तेल लगाती हूँ, है ना, कई लोग जो देसी होंगे वो ये बोलेंगे, तो वो लगाने से कितने दिन में ठीक होता है? कोई एक्सपीरियंस? 3-4 दिन लगते हैं ना, हाँ, 3-4 घंटे में ठीक कर सकते हैं क्या? हम यही प्रूव करने आए हैं दैट वी आर द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द चीपेस्ट। 3 घंटे में हम ठीक करेंगे आपका। आप नारियल तेल या तिल का तेल होंठ पे ना लगाएं, नाभि पे लगाएं, 3 घंटे में होंठ ठीक हो जाएंगे। ये बातें आपको कहां मिलेगी? इसलिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप वेट करिए, हम एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर लेके आते हैं जो आपको यूजुअली कहीं और मिलेंगी नहीं। जी, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, एक बार मैं सेकंड पार्ट, मुझे याद है, एक बार फर्स्ट पार्ट दोहरा दे जरा। हाँ, पेस्टिसाइड्स नंबर 1, और वो सेकंड पार्ट क्या था वो भी बोल दे। ब्लड प्रेशर, ओके। तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सुन के ही नहीं लगता है कि बाहर से आया है, लेकिन हम ऐसा करने लगे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा 50 ग्राम उग रहा है उसमें से 5 ग्राम भी कोई मच्छर क्यों खा गया, कैसे खा जाएगा, मैं तो उसको मार दूंगा। इसीलिए मच्छर अब आजकल वो नहीं खा रहा है, आपको खा रहा है, क्योंकि आपने उसका खाना मार दिया। अपने आप को ज्यादा साइंटिफिक बनने के चक्कर में इंसान फंस गया है। एनीवे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आज भी रियलिटी है, और वो आपका नुकसान कर रही है, आपसे ज्यादा मच्छरों का नुकसान कर रही है, जो आज
जब हम मच्छरों की बात करते हैं और रात को जाके गुड नाइट जलाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को इतना दक्ष कर लें कि मच्छर अगर हमें काटे तो हमें कोई फर्क ना पड़े। लेकिन हम वहां हम सब बातें सुन के रात में जाके गुड नाइट जला ही देते हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। एनीवे, वो भी इंसेक्टिसाइड, वो भी पेस्टिसाइड है। तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चलिए वो जो भोजन है जिसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, उसको क्या सिर्फ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हटाने के लिए आप बॉइल कर रहे हैं कि अपनी जुबान पे लगाम नहीं है और नए नए आयाम दे रहे हैं? आई लीव दैट क्वेश्चन टू यू, क्योंकि अगर आपने बॉइल कर लिया तो वो तो वैसे ही फूड खत्म हो गया। इसलिए कोशिश करिए कच्चा खाने, और कोशिश करिए गौ माता को सेंटर में लाने की भारत के ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। जो गौ माता को हमने पेरिफेरी पे धकेल दिया है, हम गौटेक में पार्ट लेने जा रहे हैं जो राजकोट में है 25 से लेके 29 मई तक। राजकोट में गौटेक, गाय से समृद्धि कैसे आ सकती है? क्या आपके पास अगर 3 गाय है तो आप 1 करोड़ रुपया साल में कमा सकते हो क्या? हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप 24 से लेके 29 मई तक अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, तो राजकोट जरूर आइए। राजकोट में गौटेक हम कर रहे हैं और आप देखेंगे वहां पर आपको हो सकता है कोई ना कोई, अगर आपका बिजनेस ओरिएंटेशन है कि आपने नौकरी लेनी नहीं है देनी है, तो आप आइए, वो आपके लिए है। तो ये तो हो गया इंसेक्टिसाइड की बात। नाउ कमिंग टू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मॉडर्न मेडिसिन में एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। 95% टू 96% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव्स हैव गॉट एसेंशियल हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज एसेंशियल हाइपरटेंशन? अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आपको लगेगा एसेंशियल हाइपरटेंशन, ऐसा लगता है कि एसेंशियल था कि मुझे हाइपरटेंशन हो। ये आपको भ्रमित करने के लिए वर्ड है। ये गूगल में एसेंशियल का मतलब देखिए, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब मुझे नहीं पता है कि आपको ब्लड प्रेशर क्या है। आप फर्ज करिए, अगर मुझे नहीं पता है कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों है तो मैं ट्रीट क्या करूंगा? इसलिए पहले पता होना जरूरी। सो लेट्स कम टू बेसिक्स। 2+2=4 पे आना पड़ेगा। ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए। एंटी ग्रेविटी आपके पैर से लेके आपके सर तक मूव कर रहा है, तो उसमें प्रेशर चाहिए। उसमें नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर चाहिए, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर चाहिए। फैट कैसे हुआ? जुबान पर लगाम नहीं रही, क्योंकि ये जो फैट आपका दिख रहा है ये आपने बाहर से तो लगाया नहीं होगा, अंदर गया है ना। अंदर जाने के रास्ते दो ही हैं, नाक या मुंह। नाक से आपने लिया नहीं होगा, जुबान पे लगाम नहीं है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो हमने अंदर लिया, खूब लिया, और दुनिया को बोला मैं तो कुछ खाता ही नहीं। मतलब हम इतने बड़े हिपोक्रिट हैं, हम खा भी लेंगे और सबको बोलेंगे हम तो कुछ खाते ही नहीं। जैसे 40 साल की लेडीज हमारे पास आती हैं, वो दरवाजा हाँ उसमें तो घुस जाएंगे, लेकिन उसका एक डोर बंद कर देंगे तो घुस नहीं पाएंगे। वो वहीं से आवाज देंगे, खोलिए खोलिए मैं आ रही हूँ। वो आते ही ऐसे ऐसे थम थम करके चलेंगी और आते ही बोलेंगे डॉक्टर साहब आप बिलीव नहीं करेंगे मैं तो कुछ खाते नहीं। तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा। ये जो आपके आपके बाहर से दिख रहे हैं वो आपने बाहर से लगाए, वो अंदर गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लड को प्रेशर चाहिए इस बॉडी में मूव करने के लिए। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर। तो फैट चाहे वो बाहर हो चाहे वो आर्टरी के अंदर हो, वो दोनों फैट को भेजते हुए ब्लड को मूव करना है। इसीलिए हम पॉस्चर एज मेडिसिन यूज करते हैं। आप देखेंगे नॉर्मली हम दवाइयां नहीं यूज करते, हम बहुत सिंपल सिंपल चीजें यूज करते हैं, जैसे हीट एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, साउंड एज मेडिसिन। साउंड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वाइब्रेशन एज मेडिसिन, है ना। पॉस्चर एज मेडिसिन,
आपने कभी सोचा कि आप अगर पांव जमीन पर रखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है, कैसे है इलेक्ट्रिकल बॉडी? क्योंकि आखिरी चीज हम क्या करते हैं, बिफोर आई डिक्लेयर अ पेशेंट डेड, इफ अ पेशेंट कम्स टू मी, इफ आई हैव टू डिक्लेयर हिम डेड, उसके पहले मैं लास्ट प्रयास क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा उसको। अगर तब भी वो रिकवर नहीं किया तो उसके बाद मैं लिखता हूं कि हाँ भाई नाउ द पेशेंट इज डेड। इलेक्ट्रिक शॉक का क्या मतलब? और कोर्ट में मान्यता किस चीज की है? ईसीजी की। ईसीजी आपको फ्लैट दिखाना पड़ेगा, मतलब बिजली चली गई, बिजली स्विच ऑफ हो गई। दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बॉडी, है ना? मैंने आपको बोला मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बॉडी। इलेक्ट्रिसिटी अगर इस प्लग में ज्यादा आता है तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। इलेक्ट्रिशियन को अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, सभी तार ठीक हैं, तो वो क्या करेगा? इसको अर्थ कर देगा। आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते? वेरी सिंपल। आप रबर का चप्पल पहन के चलते हैं क्योंकि आपके पांव जमीन पे ना पड़े। फोन उठा के सुनते हैं कि भाई हमने तो नया एप्पल का फोन लिया है, राइट? वो आपको बिजली दे रहा है, बिजली अंदर ही सर्कुलेट कर रही है। पैर में चप्पल पहना हुआ आपने, वो धरती में नहीं समा पा रही है तो वो बॉडी में घूमेगी। अगर अगर दिमाग में गई तो एपिलेप्सी कॉज करेगी, अगर दिल में गई तो एट्रियल फिब्रिलेशन को ये कॉज करेगी, अगर किडनी में गई तो उसको श्रिंक करेगी, फेल करेगी। इसलिए पांव जमीन पे रखना बहुत जरूरी है। जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पर रहेंगे नहीं। अब कमिंग बैक टू ब्लड प्रेशर, तो ब्लड को प्रेशर चाहिए। आप जैसे ही अब बहुत से लोग इस सभागार में ब्लड थिनर्स खा रहे होंगे, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर बद्ध निवेदन है, आप 10 घंटे अपने पांव जमीन पर रखिए। आज एक दिन वो ब्लड वाले को बुला लीजिए टेस्ट करने के लिए कि आप ही का ब्लड टेस्ट हुआ। विस्कोसिटी टेस्ट होता है, ब्लड थिनिंग का एक टेस्ट होता है, विस्कोसिटी टेस्ट कर लीजिए। 10 घंटे पांव जमीन पर रखिए। आप उस दिन सब अपना सब काम करते रहिए, पांव में चप्पल मत पहनिए। 10 घंटे के बाद उसको फिर बुला लीजिए, बोलो यार एक बार और मेरा ब्लड टेस्ट कर लो विस्कोसिटी का। आप खुद ही देख के हैरान हो जाएंगे कि आपका ब्लड पतला कैसे हो गया। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मां की गोद में जाओ, बहुत सी बातें ठीक हो जाएंगी। यू गेट माई पॉइंट? सो द ब्लड नीड्स प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर, अगर प्रेशर को कम करना है फैट के बावजूद भी अपना पॉस्चर ठीक कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल सीधा बिना बैकरेस्ट के बैठे हैं, आपको क्या लगता है स्पाइन सबसे ज्यादा रिलैक्स उसी में करता है, उसी में सबसे ज्यादा रिलैक्स करता है अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो, बिल्कुल सीधा। अगर आप झुक के बैठ गए तो जिंदगी भर झुके रहेंगे। इसीलिए बातें सीखिए दलाई लामा से, 94 इयर्स की एज में बिल्कुल सपाट खड़े हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में अगर सीईओ भी है तो स्टूल पे बैठता है, वो चेयर पे नहीं बैठता है, उसके पास बैकरेस्ट है ही नहीं, इसलिए वो 94 इयर्स की एज में खड़ा रहता है और हम झुक जाते हैं क्योंकि हमें जिंदगी भर झुकने की आदत थी। तो आप पॉस्चर चेंज कर लीजिए, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको टेस्ट करना है, वो लोग बोलते हैं ना ये अनुलोम विलोम से क्या होगा, तो उनको जवाब देना नहीं आता आपको। अब उनको बोलिए कि आप एक ब्लड प्रेशर का कफ लीजिए, लगाइए, 160/100 ब्लड प्रेशर है, राइट? नाड़ी शुद्धि करवा लीजिए उसको। नाड़ी शुद्धि कैसे करेंगे मैं एक बार बता दूं आपको।
एक नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार, फिर ये नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से सांस लेके राइट से छोड़ेंगे 5 बार, फिर एक नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे 5 बार, उसके बाद ये बंद करके राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार, नाड़ी शुद्धि हो गया। ब्लड प्रेशर ले लीजिए 120/80 आ गया। आपको दवा की क्यों जरूरत है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास दूसरे तरीके क्यों नहीं है भाई। आपको ब्लड प्रेशर कम करना है ना, आप आहार यूज करिए। और जब मैं आहार की बात करता हूं, ये सिर्फ खाने पीने का आहार नहीं है, मैं एक योगी हूं। और योगी आप साधु मत बनिए भाई, योगी बनिए। क्यों, दोनों में क्या फर्क है? साधु छोड़ो, जाने दो क्या करना है, योगी भूलते नहीं है, वो याद रखते हैं। ये भूलने जैसी बात नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है हमारे साथ, ये भूलने ऐसी बात नहीं। योगी उनकी जो कुंडालिनी है जागृत रहती है, उनके मेमोरी में वो बातें रहती हैं। उसको कब कहां कैसे कार्य रूप देना है योगी जानते हैं। इसीलिए साधु मत बनिए, योगी बनिए। ये योग भूमि है, योग भूमि भारत, बाकी सब भोग भूमिया है। और वैसे भी एज फार एज दर्शन इज कंसर्न, हम ही ने दुनिया को सभी दर्शन दिए हैं। क्योंकि अगर हम सांख्य दर्शन दे सकते हैं तो दुनिया को हमारे चारवाग जी ने एक और दर्शन दिया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। इसी पे भोग भूमिया चलती हैं, भारत एक योग भूमि। एनीवे, तो यही मैं आशा करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जरूर जरूर, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए, सालों से आपकी अज्ञानता के कारण आपको डायबिटीज है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए नहीं कि हमारे मतलब हमारा उसमें कोई बहुत स्वार्थ नहीं है। हम तो हर यूट्यूब में आप अगर हमारा प्रोग्राम देखेंगे, हमारा यही बोलना है आप हमारा ये YouTube देखिए और घर पे ही ठीक हो जाए। हमें तो कांटेक्ट भी मत करिए, आप घर पे ही ठीक हो जाए। आप अगर देखेंगे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब इस सेंट्रिक हैं कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ठीक ठीक मालूम होगा कि करना क्या है और आप अपने घर पे ठीक हो जाए। बस आपकी दुआएं हमें दें ताकि हम और लोगों का भला कर सकें। आपके पैसे नहीं चाहिए और ना ही ये चाहिए कि आप हमें हमारे पीछे दौड़ रहे हो, नहीं प्लीज, हम इसके लिए ये काम भी नहीं कर रहे। दूसरा, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा इज एक्सेस प्रेशर। आप देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, कॉन्स्टिपेशन है, कोई कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा था, हम आएंगे उस पर, क्योंकि 70% भारत कॉन्स्टिपेटेड है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिपेशन पे काम किया वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। सिर्फ लोगों का कब्ज ठीक, पेट सफा वाले ने, मैं डॉक्टर गुलाटी को पर्सनली जानता हूं। शुरू शुरू में डॉक्टर गुलाटी साहब, मैं सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, वो जैसे रेलवे में आप जाते हैं तो वो मर्दाना ताकत के लिए वो जो कहीं कहीं लिखा होता है ना, ताकि जो लोग रेल में जा रहे हैं वो देख लें, उस टाइप का ये नाम आता था। आज पेट सफा के नाम से जाने जाते हैं, पेट सफा हर रोग दफा। और अभी अभी अपनी कंपनी बेची उन्होंने 1400 करोड़ में। कॉन्स्टिपेशन कहां तक फायदा पहुंचा सकता है आपको दिख ही रहा है। और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके,
क्योंकि मैं जो नेचुरोपैथी में योग में देखता हूं, एनीमा दे दो, मात्रा वस्ती कर दो, ये अगर शरीर को आप अंदर से सक्षम कर लें तो एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्सटर्नल चीजों की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब इंटरनल चीजें फेल हो गई हो। आपने कोशिश ही नहीं की, आप सबसे पहले आपको बाहर से एनीमा चाहिए। क्यों भाई, आप अपने आप को सक्षम करो ना। आप पहले फर्स्ट स्टेप पे, आप पहले आपको समर सॉल्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है, अरे सीढ़ियों से जाओ भाई, उसके स्टेप्स हैं, स्टेप से जाओ। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि समग्र रूप से हेल्थ कैसे मिलेगा आपको। ग्लोकोमा की जहां तक बात है, ग्लोकोमा में प्रेशर है, इसमें आप बाहर से कुछ डालेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, बाहर से साबुन यूज कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि 1900 में साबुन इंट्रोड्यूस हुआ, 1900 में मॉडर्न मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुआ, 1950 तक स्लेव्स को साबुन नहीं मिलता था, उनको मिट्टी लगाना पड़ता था, तो स्लेव्स को बीमारियां ही नहीं होती थी। स्लेव्स ने साबुन लगाना शुरू किया, उनको भी आज उतनी ही बीमारियां होती हैं जितनी रॉयल्टी को होती थी जो 1900 में साबुन लगाते थे। इसके लिए साइंस पे आना पड़ेगा। स्किन का पीएच 5.5 है, साबुन का पीएच 8.0 है। एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट बनाते हैं, ऐसा हमने 6-7 की साइंस में पढ़ा था। तो ये जो व्हाइट हेड्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं, चाहे वो साबुन जो भी कंपनी बनाए, दोनों के अल्कलाइन है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, भूमि का पीएच 5.5 है, आपके स्किन का पीएच 5.5 है। कुछ मैसेज मिल रहा है क्या? आप किस बात के लिए वेट कर रहे थे कि मिट्टी आपको फोन करेगी और बताएगी? आप देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, इसलिए जरूरी है आपको जानना, इसलिए जरूरी है ये ज्ञान। कमिंग टू ग्लोकोमा, आप अगर बाहर से कोई चीज लगाएंगे तो वो चीज वो, और कोई भी चीज जो असाध्य रोग है उसको ठीक करने की क्षमता आपके माइक्रोबायोम में है, और माइक्रोबायोम का रिचेस्ट सोर्स है अर्ली मॉर्निंग का सलाइवा। अर्ली मॉर्निंग का आपके मुंह का सलाइवा आपके माइक्रोबायोम का रिचेस्ट सोर्स है। आप उसको लगाइए और ग्लोकोमा से छुट्टी पाइए। आप देखिए चीजें कितनी सिंपल थी, हमने दुनिया में कितना कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया है। जी हाँ, डायबिटीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप प्लीज बैठिए। डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक बीमारी मैं नहीं जानता हूं। डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है और जो लोग अपना दवाइयों पे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो, इसका झगड़ा नहीं, झगड़ा आपके समझ की है। अगर आप दवाइयों से या दवा ढूंढ रहे हैं कि कोई एक आटा मिल जाएगा और मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा, तो आप भूल कर रहे हैं, आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज 20 साल में अंधे तो आप हो ही जाएंगे। उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उसके बाद किडनी तो फेल करेगी ही, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके बाद हार्ट तो फेल करेगा ही, जिसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अब देखिए डायबिटीज कितना डेंजरस डिजीज है। अगर आप दवाइयों पे डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं तो याद रखिए, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक। यू हैव टू बी लकी, अगर बच गए, हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई, तो कैंसर तो होगा ही। अगर ये बात सुनकर डर लग रहा है तो डरना जरूरी है, डरना जरूरी है।
और तभी आप जाके अपने आप को बहुत इजीली ट्रीटेबल, मैंने आपको बताया डायबिटीज को मैं कोई बीमारी समझता ही नहीं, तो बहुत ही छोटी बीमारी है, आप घर पे ही ठीक कर लें खुद को। तो ये जी और कोई प्रश्न, डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज ये है, आपको नॉर्मली कोई बोलेगा कि आप कोई इलाज नहीं है, अंधा हो गया, ये कुछ नहीं हो सकता है, रेटिनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आपको यही बोलेंगे जी। एक सेकेंड। सो मैं ये मानता हूं कि जब तक सांस आपकी चल रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हम ना कर पाए या हमारे पास वो नॉलेज ना हो, ये संभव है, ये संभव है कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ये नॉलेज है, जरूरत है हमें प्लग इन करना टू जीरो पॉइंट ग्रेविटी। जीरो पॉइंट ग्रेविटी जमीन में है, तभी जब सुनामी आया था तो सभी जानवर पहाड़ पे भाग गए थे क्योंकि उनके पांव जमीन पे हैं, और तभी आप मर गए थे क्योंकि आपके पांव जमीन पे हैं ही नहीं, धरती आपको मैसेज देना चाह रही है, आप लेने वाले नहीं बन रहे। आपको कितनी बार झुका झुका के बताती है, जैसे अगर मिर्गी आती है तो आदमी खड़ा रहता है क्या, गिर जाता है, क्यों धरती गिरा रही है, अर्थ करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही है, आपको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, आपको बिजली एक्सेस हो गया है, उसको अर्थ करना है, आपको गिरा रही है क्योंकि अब तक आप सिर्फ इससे जॉइंट थे, आप जमीन पे सिर्फ सोल से, अब आपको गिरा दे रही है, पूरा सरफेस एरिया से आप जॉइंट हैं जमीन से, आपको अर्थ कर रही है, आपको दिखता नहीं, यही प्रॉब्लम है इंसान का। और बहुत छोटी छोटी बातों से इलाज संभव है, हम इन बातों को या तो भूल चले हैं या कोई बताने वाले लोग ही नहीं बचे हैं जी। कंफ्यूजन टू कंक्लूजन, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट फ्रेज एंड थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन हमेशा इसलिए होता है कि आपकी देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड हार्ट हार्ट कोहेरेंस एंड माइंड हार्ट डिसकॉर्डेंस, आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, यू आर इन दैट डिसकॉर्डेंस, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। When जब आप एक ही लाइन में अलाइन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड माइंड हार्ट कोहेरेंस, यू कम टू अ कंक्लूजन। सो इट्स वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू लिसन टू द हार्ट एंड हाउ टू ट्रेन योर हार्ट टू गो विद द माइंड सो दैट यू आर इन कोहेरेंस नॉट डिसकॉर्डेंस। Once again, sir. Belief is God. Rest is science. You believe in God because maybe you can't prove it. But we are talking about science. We can prove many things. So we are just trying to the belief system. वो आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, वो आपको अपना कंफ्यूजन यूज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारतीयता से ज्यादा, अगर आप सच्चे मायने में भारतीय हैं और भारतीय पद्धतियों को जानते हैं, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, जैसे गीता में बड़ा स्पष्ट मेंशन है कि सांख्य जैसा ज्ञान नहीं, योग जैसा बल नहीं, ये बस दो ही बातों का, आप अगर सांख्य दर्शन क्या है और योग क्या है और इन दोनों को मिलाने की क्रिया, कभी आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, आपको 5 मिनट में आ जाएगा, तो आपको बहुत से इंसाइट्स मिलने लगेंगे
कि एक्चुअली क्या है, कैसे है और कैसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। जी सर, जी सर, देयर आर थ्री क्वेश्चंस सर, गोमूत्र एंड गोबर, आपका क्या था? और ओके, थैंक यू सर। हाँ, माइग्रेन के बारे में, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट एंड की हाइपरटेंशन एंड ब्लड। ओके, थैंक यू सर। सो मे बी यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन लाइकवाइज। सो गोमूत्र, एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम ईदर यू और एनी एनिमल, डिड यू नो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर समथिंग? Your excretory product is what? As far as gas is concerned, you excrete more of carbon dioxide in the air that you breathe out. Okay? And you take in more of normal air which has 20% oxygen in it. What do the plants do? The plants absorb that carbon dioxide. They absorb that H2O from the moisture. The photons of the sun, what they do is they break the CO2, they keep the carbon, the plants keep the carbon, oxygen is left for you, CO2 mein se C ko rakh liya, O2 ko nikal diya. So now the plant has got C and H2O. Six molecules of C and H2O form what? C6H12O6, glucose. I just give you the formula of how your excreta can form food for you for another species. So this is an interdependent world. हमें लगता है कि हम ही plant से कोई मतलब नहीं है, boss plant नहीं है तो आप नहीं है. We can prove it to you scientifically. I just proved it to you. You got my point. So coming back to your once again Gomutra. So what happens is, if you are taking anything from other species, the excretory product, if you are taking it, as I told you, antigen antibody reaction will happen. Either the antigen will enter via ingestion, that is eating, injection, that is injection, और इनहेलेशन और ब्रीथ इन किया, राइट? सो इंजेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन, यही तीन सोर्स है अंदर जाने। इससे अगर एंटीजन गया, देर विल बी एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। सो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कब होगा? कब होगा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स? जब इम्यून सिस्टम जागृत होगा। तो गोमूत्र से अगर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हुआ तो आपने क्या किया? इम्यून सिस्टम को जागृत कर दिया, इसीलिए कैंसर मर जाता है। यू गेट माय पॉइंट? यू गेट द साइंस बिहाइंड इट? दैट इज हाउ गोमूत्र इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड नॉनदरेस। जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या था सर? माइग्रेन। जी, रोल ऑफ सॉल्ट। Okay. Which is run by pranamaya kosh, then manomaya kosh, vijnanamaya kosh, anandamaya kosh. There is something called a golden ratio. Golden ratio आपको plants में दिखेगा। आप में दिखता है क्या? आप में golden ratio कहीं दिखता है? गौर से देखिए body को। किसी को मालूम है आपकी body में golden ratio कहाँ है? कभी आपने अपनी सोर्स को देखा ही नहीं, अपनी नाभि को देखा ही नहीं, वो गोल्डन रेशियो आपको नाभि में दिखेगा, वो दिखेगा आपको, आपने देखा ही नहीं, और वो सोर्स है आपका, हमने देखा ही नहीं इसमें, और वहीं से स्वर चलते हैं। ये स्वर जब ऊपर उठते हैं और कंठ जहां पे तालु पे लगता है सबसे पीछे, तो अगर फूटेगा तो क ही निकलेगा।
मेरे पीछे पीछे इंग्लिश, और आपको आज, आपको आज बहुत गर्व होगा अपनी भाषा पे, अपनी देवनागरी पे, अपनी संस्कृत पे। संस्कृत की जो लिपि है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और ये सोचेंगे कि जीभ कहाँ पे लग रही है, तालू पे। आप जरा देखिए, क ख ग घ ग, बोलिए, देखिए जीभ कहाँ लग रही है। अब आगे आएगी जीभ, च छ ज झ य। अब जीभ और आगे आएगी, ट ठ ड ढ ण। अब जीभ दांत पे आएगी, त थ द ध न। अब जीभ नीचे अब विश्राम करेगी और बात होठों पे आ जाएगी, प फ ब भ म। अब होठ खुल जाएंगे और आवाज निकलेगी, य र ल व श स स ह। ये भारत है। दूसरा, कभी आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे भारतीय होते हुए, तो आप उसको जवाब क्या दोगे? दुनिया में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका विलोम नहीं है, अनुलोम विलोम है ना। सुख का विलोम क्या है? दुख। ऊंच का विलोम क्या है? नीच। उसी तरह मैरिज का विलोम क्या है? डिवोर्स। उसी तरह निकाह का विलोम क्या है? तलाक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विवाह का विलोम क्या है? यह भारत है, यह भारत है। विवाह का कोई विलोम ही नहीं बनाया। यह भारत है, यह भारतीयता है, और ये भारत के मजबूत जड़ हैं, जो भारतीय संस्कृति के मजबूत जड़ सबसे बड़े। आप देखिए ना, हिमालय पे बैठे आदि योगी ने विवाह को हिमालय की पराकाष्ठा पे पहुंचा के रख दिया। इन बातों से भारतीय संस्कृति झलकती है। एनीवे, अब विषयांतर होंगे हम, तो कमिंग टू ऑरा। ऑरा में जो भी डिजीज है वो सबसे पहले आपके ऑरा में आता है और धीरे धीरे आपके शरीर में एंटर करता है। जब शरीर में मैनिफेस्ट करता है उसी को आप डिजीज प्रोसेस मानते हो, लेकिन उसका जड़ सिर्फ उतना नहीं है। ऑरा में डिजीज को कैसे डायग्नोज करना है, उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम वाइब्रेशन थेरेपी करते हैं, हम ऑरा में आपका डिजीज देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये आपको होने जा रहा है। हमें बहुत सी बातें शक्ल पे दिख जाती हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई पढ़ते पढ़ते अब तो स्माइलिंग सेल्फी के पीछे के आंसू भी दिख जाते हैं। जी सर। Everybody says cancer can be identified at a third stage or fourth stage. Why not in first stage? Sir, cancer is a very, very complicated as well as simple disease. Each and every cell has to die someday and some other cell has to take its place. If the process of dying and the process of takeover is smooth, तो crash नहीं होगा। Plane crash ज्यादातर आप देखेंगे landing में होता है। The pilot doesn't know how to land. That means the takeover and giveaway part, there was some problem. There was some problem in landing. So it crashed. तो इसमें जब भी कोई डिसप्लेसिया हो जाता है तो डिसप्लास्टिक सेल्स हो जाते हैं, एनाप्लेसिया होता है तो एनाप्लास्टिक सेल्स हो जाते हैं, तो ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता है कई बार। और इसको कंट्रोल कौन करता है? पीपल थिंक दैट देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोल, एपोप्टोसिस
इसको कहते हैं, अगर कोई सेल अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो एपोप्टोटिक प्रोसेस उसको खा जाता है। माइटोसिस इज अ फिजियोलॉजी, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, इट इज फिजियोलॉजी, बट व्हेन दिस फिजियोलॉजी बिकम्स पैथोलॉजिकल इट्स कॉल्ड माइटोटिक पैथोलॉजी एंड दैट इज वेयर कैंसर सेट्स इन। सो देयर इज अ फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। हु प्रोग्राम्स इट? मैं तो वही पूछता हूं उनको, ये प्रोग्रामिंग कर कौन रहा है? तो मॉडर्न मेडिसिन के लोग बोलते हैं ब्रेन कर रहा है। मैं बोलता हूं दिखा दो बस कौन सा पार्ट है। ये आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा है बार बार। सूक्ष्म शरीर आप अपने हो, अपने होने की आपको प्रूफ दे रहा है, आप देखना नहीं चाहते हो। दूसरा प्रूफ है, आपके आईब्रोज और सर के बाल एक ही तरह से बढ़ते हैं क्या? जितने बड़े सर के बाल होते हैं उतने बड़े आईब्रोज होते हैं क्या? ये कौन डिसाइड करता है कि आईब्रोज कितने बड़े होंगे, आईलैशेस कितने बड़े होंगे, चेस्ट के बाल कितने बड़े होंगे, कहां के बाल घुंघरालू होंगे, कहां के बाल स्ट्रेट होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये सूक्ष्म शरीर डिसाइड करता है, जिसकी मॉडर्न मेडिसिन में कहीं कोई वो ही नहीं है। आप मॉडर्न मेडिसिन से पूछ के देखिए कि बॉस ये कौन डिसाइड करता है, तो बोलेंगे पता नहीं, जनरली जीन्स डिसाइड करते हैं। कि उनको कुछ नहीं समझ में आता, जीन्स में जाके फंस जाते हैं, जबकि जेनेटिक डिजीज पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब कोई जेनेटिक डिजीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। एपीजेनेटिक्स हैज टेकन ओवर द होल ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के प्रोफेसर्स जो 3 साल पहले जो जेनेटिक्स पढ़ाते थे, आज वो जेनेटिक्स पलट चुका है। इसलिए द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम बहुत जल्दी 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 चीजें पलटता जा रहा है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स पलटते जा रहे हैं, जो हम 10 साल पहले जानते थे आज ठीक उसके उल्ट काम कर रहे हैं, और वही राइट है जो 10 साल पहले करते थे राइट नहीं। जैसे अपेंडिक्स हम ऐसे निकालते थे, ऐसे अपेंडिसेक्टमी करते थे जैसे ऊपर वाले ने गलती कर दी है, तो वैसे रूडिमेंट्री ऑर्गन। आज पता चला कि हाउस ऑफ द माइक्रोबायोम अपेंडिक्स ही है। अपेंडिक्स किसी का निकल गया तो विद इन 5 ईयर्स कोई कार्डियक इवेंट होगा। हम इस पे शोध कर रहे हैं, हम इस पे वी आर राइटिंग अ पेपर ऑन इट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसानी समझ धीरे धीरे मैं देख रहा हूं, एंड आई एम थैंकफुल दैट द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम इज स्लोली एंटरिंग मॉडर्न मेडिसिन एंड सब कुछ पलटता जा रहा है। जी, दूसरा था माइग्रेन। माइग्रेन वेगल स्टिमुलेशन, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वेगल स्टिमुलेशन 8 मिनट का प्रोटोकॉल है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, अभी जैसे बात करते करते, द बेस्ट डॉक्टर इज जो जान बचा सके, और द बेस्ट डॉक्टर इज जिसको ऑपरेशन थिएटर में आपको ना लेके जाना पड़े, यहां पर रोड पे ही गैरेज में आपका जान बचा सके। बेस्ट चीज है अगर आप वेगल स्टिमुलेशन सीख जाएंगे, किसी भी इमरजेंसी से बाहर निकल जाएंगे। वेगल स्टिमुलेशन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी के बीच में आपकी जिंदगी कहीं लटकी पड़ी है। अगर हार्ट अटैक आया है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवा दीजिए, अदरक से करवा दीजिए, वो सॉर्बिट्रेट से ज्यादा इफेक्टिव है। इसके पीछे पेपर्स हैं। मिर्ची से करवा दीजिए, 2021 का नोबेल प्राइज इस बात पे है कि पेपराजीन रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह साइंस मौजूद है, हम देखना नहीं चाह रहे उस तरफ, क्योंकि मिर्ची का कोई इंडस्ट्री नहीं है। अदरक, वो बेचारा वो ऐसे बोलता है कि चलो ठीक है, आपने इतने का सब्जी ले लिया, इतने का अदरक फ्री में ले जाओ, तो हमें लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम हर चीज का वैल्यू देना शुरू करें, जिसको जान के आपको भारतीय बनाया गया। पहले स्पाइसेस के लिए ही लोग यहां पे आते थे और स्पाइसेस ही हम एक्सपोर्ट करते थे। आज उस स्पाइसेस का क्या गति कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा? कोई अगर भारतीय है पूरी दुनिया में,
उसके किचन में घुस जाइए, हल्दी अगर है तो समझ लीजिए ये भारतीय है। दैट इज हाउ वी आर नोन। और हम अपने रूट्स को ही भूलते चले हैं। एनीवे, तो वो वेगल स्टिमुलेशन अगर आप कर लेंगे तो माइग्रेन इमीडिएटली चला जाएगा। और माइग्रेन के लिए फॉर्चुनेटली एफडीए का भी रूल यही है, कोई ड्रग आज तक बना नहीं। तो वो बोलते हैं कि आप वेगल स्टिमुलेशन यूज करिए एज अ टूल टू क्योर माइग्रेन, और वेगल स्टिमुलेशन से ही जाएगा माइग्रेन। एफडीए का वैसे बाय द वे फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एफडीए एक कमर्शियल बॉडी है, और उसका मतलब यह है कि फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक होने नहीं देंगे, ताकि आप उम्र भर एटीएम बने रहें एफडीए के। तो दैट इज हाउ। और कोई प्रश्न? मैं एक काम करता हूं सर, मैं अपना नंबर यहां पे बोल देता हूं, आप नोट कर लो। अगर कोई बात रह गई है तो आप मेरे कॉल सेंटर पे फोन करके आप ये प्रश्न रख देना। अगर कोई एक्चुअली कोई पेशेंट दिखाना चाहते हैं तो भी आपको कॉल सेंटर फोन करना पड़ेगा। अगर कोई चीज पूछना है तो आपको वहां पे प्रश्न छोड़ना पड़ेगा, वो आपको आस्क डॉक्टर पांडे का एक वो है, उसमें आप अपना प्रश्न डाल दीजिए। और अगर आप सच में बहुत त्रस्त हैं कोई बीमारी से जो आप ठीक करना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9815098150999999। तो आप इस पे अगर फोन कर देंगे तो एक आप कॉल सेंटर में पहुंच जाएंगे, वो आप वहां से होते होते आप अपना प्रश्न वहां पे दर्ज करा सकते हैं। फॉर पुअर पीपल हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, आस्क डॉक्टर पांडे शो। आस्क डॉक्टर पांडे शो में आप कोई भी प्रश्न पूछिए, महीने में एक दिन वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अनाउंस होता है कि इस दिन हम लाइव आके आपके सारे प्रश्न आंसर करेंगे। दूसरा है, हम कैंसर पे समग्र रूप से लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम लड़ रहे हैं। उसके लिए हमने एक जो अपना यूट्यूब है उस पे अनाउंस भी किया है कि पूरी दुनिया से कैंसर के पेशेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करें, इररेस्पेक्टिव वो पे कर सकते हैं नहीं पे कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके आप तक या अपने लोगों के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आपको कोई फायदा पहुंचा सके, आपकी बीमारी से आपको रिलीफ दिला सके, हमारा प्रयास इस ओर है। द थर्ड इज, हम लोग एक फ्री वर्चुअल ओपीडी प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपका प्रश्न लिया जाएगा, आपके प्रश्न को वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से आपको इलाज बताया जाएगा। और नॉर्मली हम इलाज में एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं कोई दवा बताऊंगा, प्लीज। दवा से इलाज क्योर के तरफ नहीं जाता है, दवा से इलाज मैनेजमेंट के तरफ जाता है। हम क्योर के रास्ते हैं, इसलिए ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं कोई दवा बताऊंगा, कि आपने तो कोई दवा ही नहीं बताया, कोई अश्वगंधा बताता है, कोई ये बताता है, हम तो ऐसा कोई गंधा नहीं बताते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी बीमारी समग्र रूप से आपके शरीर से निकल जाए। इसी में हम आहार यूज करते हैं औषधि के तौर पर। जी, थैंक यू। Thank you.